I'm
मिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकापदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ
युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वृंदाई तुलसी देवई प्रियाई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नम। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहका तराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान त्वस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सबकर हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे भगवान कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बोले अजोपि सन्न अभयात्मा भूतानापि ईश्वरपि सन् प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। कृष्ण कहते हैं अर्जुन अजो अज मतलब होता है मेरा जन्म नहीं है, मैं अजन्मा हूँ, लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ। बोले क्यों लेता हूँ? बोले अनुग्रहाय भक्तानाम, केवल भक्तों के ऊपर में कृपा करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। अगर ठाकुर जी जन्म नहीं लेते, जैसे आज हम बैठ करके भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा सुनेंगे, अगर कृष्ण जन्म नहीं लेते तो फिर हम क्या करते? दुनियादारी की बात करते, इधर उधर की बात करते, फिर हमारे कल्याण कैसे होता? इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह व्यतीत त्वत त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नैति मामेति से अर्जुन। बोले हे अर्जुन मेरा जो जन्म और कर्म वास्तव रूप में इसको कोई समझ जाए तो शरीर त्याग करने के बाद फिर जगत में दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए कोई कोई कह देते हैं ना अरे
हम भी जैसे जन्म लिए कृष्ण भी तैसे जन्म हो गए। बोले नहीं, कहते कृष्ण कहते मेरे जन्म कर्म दिव्य अप्राकृत और अवलौकिक है। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कृष्ण जन्म लेने से पहले उन्होंने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और उनके सारे पूर्व जन्म की सारी कथा सुनाई। फिर कृष्ण छोटे बच्चे हो गए, क्या इसी जगत में कोई व्यक्ति जन्म लेने से पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन देता है और उनका पूर्व जन्म की कोई बात बोलता है क्या? नहीं बोलता है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे जन्म कर्म अप्राकृत दिव्य और अलौकिक मेरी जन्म कर्म है। इसलिए कृष्ण जगत में फिर क्यों जन्म हुए, तब हमारे टीकाकारों ने इसको पीछे 10 कारण बताया। कितना कारण बताया? 10 कारण बताया। आज मैं वो 10 कारण बताऊंगा और आप लोग याद कर लेना, कल आपसे फिर सुनूंगा, ठीक है। इसलिए पहला कारण है, कहते भगवान भक्तों के ऊपर में कृपा आशीर्वाद देना चाहते हैं। जैसे कृष्ण जन्म हुए, कल हम बड़ी धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बड़ी धूमधाम से भगवान की जन्म उत्सव मनाए। आज हम सुनेंगे कृष्ण बचपन में कितने प्यारी प्यारी मीठी मीठी ठाकुर जी लीला कर रहे थे, वो लीला कथा भी आज सुनेंगे। इसलिए कहते मैं भक्तों के ऊपर में कृपा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जन्म लिया। क्या दूसरा कारण क्या है? बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। बोले जब जब इसी पृथ्वी ऊपर में अत्याचार होने लग जाए, पृथ्वी गैया ब्राह्मण संतों के ऊपर में अत्याचार होता है, तब तक मैं जगत में जन्म ग्रहण करके मैं दुष्टों को विनाश करता हूँ और पृथ्वी का भार को मैं उतारता हूँ। जैसे रावण ने बड़ा अत्याचार किया, भगवान राम रूप में आए। कंस ने बड़े अत्याचार की, फिर कृष्ण रूप में ठाकुर जी आए। इसलिए दुष्टों को संहार करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए जगत में मैं अवतीर्ण होता हूँ। माता जी मिठाई तो क्या बोल रहे हैं देखते। इसलिए कहते ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या है? बोले तीसरा कारण बताए, हम लोग कल हम श्रवण कर रहे थे, जब कृष्ण चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, देवकी वसुदेव की पूर्व जन्म की उन्होंने कथा सुनाई। बोले तुम दोनों पूर्व जन्म में प्रश्नी और सुतपा थे, राजा और रानी, संसार का कोई विषय भोग सुख तुम दोनों ने नहीं की, केवल जो सूखे पत्ते गिरते थे उसको खा खा करके 10,000 साल तक मेरी तपस्या की। मैंने दर्शन दिया, बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम चाहते हैं आप हमारी बेटा बन करके आओ। भगवान बोले ठीक है, अगली जीवन में मैं तुम्हारी बेटा बन करके आऊँगा। वही प्रश्नी और सुतपा ये द्वापर युग में देवकी और वसुदेव रूप में आए और ठाकुर जी उनकी इच्छाओं को पूरी की। फिर ऐसे ही दो राजा और रानी, ये द्रोण और धरा, ये भी पितामह ब्रह्मा की उपासना की। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए, बोले वर मांगो। बोले हम चाहते हैं स्वाभाविक रूप में जैसे आप किसी माँ की पेट से जन्म लेते हैं और मैया जैसे उनको पलने में झुलाती हैं, अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखाती हैं, बच्चा अगर कोई गलती करे डांट डपटती हैं, ऐसे ही आप मेरे गर्भ से स्वाभाविक रूप में आप बच्चे बन करके जन्म लेना। फिर वही प्रश्नी और सुतपा ये नंद और जसोदा बन करके आए। कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन जन्म हुए कृष्ण गोकुल में। इसलिए हम कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कहते ये एक कारण है। इसका चौथा पंचमा कारण बताए, आप लोग रामायण सुने होंगे, जिस समय राम लक्ष्मण सीता वनवास में गए थे, ये सुपर्णखा जो रावण की बहन थी भगवान राम को देख करके मुग्ध हो गई, बड़ी सुंदरी बन करके प्रभु राम को पास में आई। बोले मैं जितने सुंदरी, ठाकुर तुम्हें भी उतना सुंदर बनाया, इसलिए मेरे से ब्याह कर ले, शादी कर ले।
भगवान राम बोले ऑलरेडी मेरा तो सीता है, बोले इसको शरीर में क्या रखा हुआ है, इसलिए देख मैं कितना सुंदरी हूँ, बोले मैं सीता के सिवाय और किसको मैं शादी कर ही नहीं सकता हूँ। लक्ष्मण गया था लकड़ी लेने के लिए, जब उसने आया बोले ये कौन है, बोले ये मेरे छोटा भैया है, बोले ये भी तो देखने में कम सुंदर नहीं, बोले इसको मैं शादी कर सकती हूँ, बोले तेरे जैसे मन मानी को कौन रोक सकता है, पूछ करके देख ले। जब लक्ष्मण के पास में गई बोले मेरे से शादी कर ले, लक्ष्मण ने कहा अभी तो देख रहा था बड़े भैया को साथ में कुछ बात कर रही थी, बोले उसने मेरे प्रेम को समझा नहीं, तू प्रेम को समझोगे इसलिए मेरे साथ में शादी कर ले। लक्ष्मण बोले ये बताओ तुम रानी बनना चाहते हो ना दासी, बोले रानी, बोले तो मैं प्रभु का सेवक हूँ, मेरे से शादी करोगे तो दासत्व तो करते करते थक जाओगे, कहा रानी बनने की स्वप्न देख रहे हो, जाओ प्रभु राम के पास में जाओ। फिर राम के पास में गई, फिर प्रभु ने इनकार कर दी। सुपर्ण का बोले तुमको पता है मैं कौन हूँ, मैं जैसे तैसे व्यक्ति नहीं, मैं रावण की बहन हूँ, ये सीतना जितना गड़बड़ के कारण है ये सीता है, इसको ही मैं खा जाती हूँ। जब उसने भयंकर रूप धारण की, राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण ने सुपर्णखा को नाक कान काट दिए। जब नाक कान काट दिए, लेकिन भगवान को तो उसने हृदय में बैठा चुकी थी, भगवान राम बड़े दयालु बड़े कृपालु, फिर वही सुपर्णखा कृष्ण लीला में ये फिर ये कुब्जा बन करके आती है, फिर भगवान राम हैं फिर कृष्ण बन करके आए, फिर ठाकुर जी उनसे शादी करते हैं। बोले लक्ष्मण उसको नाक कान फिर क्यों काट दी, कारण क्या है, बोले कारण है ये लक्ष्मण गुरु तत्व है। बोले गुरु का काम क्या है, बोले गुरु का काम है जीव को ब्रह्म के साथ में जोड़ना, ये गुरु का काम है। लक्ष्मण ने देखा ये तो भगवान राम के हृदय में बैठा चुकी है, तुम और किसको बनने नहीं चाहिए, एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो, उसका नाक और कान काट दो दुनिया में फिर उसको कोई पूछेगा उसको, बोले और तो किसी की बन करके रहना नहीं, बन करके केवल ठाकुर की रहो। फिर ठाकुर जी कृष्ण रूप में आए, फिर उनकी इच्छा पूर्ण की, बोले ये एक कारण है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री भगवान बामन देव की कथा, जब भगवान बामन देव श्री बलि महाराज का घर में आए, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम थी रत्नमाला, भगवान स्वयं बामन बन करके आए, बड़े सुंदर थे ठाकुर जी, कहते माताओं का एक स्वभाव, क्या स्वभाव, अगर किसी सुंदर किसी बच्चे को देखे ना उनको इच्छा होता है हम भी इसको गोद में लेकर के प्यार करें, ये माताओं की स्वभाव है। और उनकी बेटी तो प्रभु को देख करके इतनी मुग्ध हो गई, बोले इतना सुंदर बालक, अगर ये मेरे बेटा बन करके आता तो मैं दिन भर इसको गोद में लेकर के मैं लाड़ लड़ाती। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, अगली जीवन में मैं तेरे लाला बनकर के आऊँगा। लेकिन जब ठाकुर जी दो पग में सब कुछ ले लिए, तीसरे पग रखने का स्थान नहीं, तब उनको नाग फांस बंधन में बांध दिए। इतने में रत्नमाला देखा ये तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का सर्वस्व हरण कर लिया और फिर मेरे पिताजी को बांध भी दिया, बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे तो मैं तेरे को लाड़ क्या लड़ाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं बेटा भी बन जाऊंगा जहर भी पान कर लूंगा। वही फिर पुतना बन करके आती हैं और हम आगे पुतना की कथा सुनेंगे। कहते ये एक कारण है कृष्ण इस जगत में क्यों आए, बोले और क्या कारण है, बोले आप लोग रामायण सुने होंगे, बोले जिस समय भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे, भगवान राम गुरु जी को बोले गुरु जी थोड़ी आप आदेश देंगे ये जनकपुरी को थोड़ा मैं दर्शन करके आऊं, बोले दर्शन करना नहीं जनकपुरी को दर्शन दे करके आओ। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश किए, इतने सुंदर प्रभु देखने में थे, एक बार जो प्रभु राम लक्ष्मण को देखा उसने हला मचा दिया, क्या सुंदर दो बालक आए हैं, एक श्याम रंग के और एक गौर रंग के, एक पीताम्बर और एक नीलाम्बर, दोनों धनुष अपूर्व सुंदर मानो एक साथ में चंद्र सूर्य प्रकट हो गई। जो देखा उसने हला मचा दिया,
बोले शिष्यावर रामचंद्र की। इतने में जितने किशोरी लड़कियां थी, कोई झरोखे से देख रही थी, कोई छत के ऊपर से देख रही थी, लेकिन जो झरोखे से देख रही थी उनको तो दर्शन हो रहा था, लेकिन छत को ऊपर से जो दर्शन कर रही थी उनका दर्शन नहीं हो रहा था। क्योंकि भगवान राम का एक स्वभाव था, उन्होंने कभी भी सर उठा करके किसको देखे ही नहीं, वो सर नीचा करके जा रहे थे। और इतने में छत के ऊपर जो खड़ी हुई थी उनको दर्शन नहीं हो रहा था। इतने में उन्होंने थोड़ी सी खांसी, जो खांसी इतने में लक्ष्मण, ये गुरुजी है, गुरुजी का काम किया है, बोले जीव को ब्रह्म को साथ में जोड़ना ये गुरुजी का काम है। इतने में लक्ष्मण ने प्रभु राम से प्रार्थना की, बोले प्रभु थोड़ी सी ऊपर थोड़ा सर करके देखो ना, देखो आपका भक्त लोग छत के ऊपर में खड़े हुए आपको दर्शन करना चाह रहे हैं। राम ने कहा लक्ष्मण ये मायापुरी है, खबरदार इधर उधर देखना नहीं, सर नीचा करके चलो। फिर सखियों ने फिर खांसे धीरे धीरे, फिर लक्ष्मण ने प्रार्थना की, तो जब भगवान राम एक बार उन्होंने देखा इतने सुंदर थे, उनको देख करके सबके सब बेहोश हो गए। जब उनका होश आई सबके सब राम को पीछे पड़ गए, बोले प्रभु हमसे विवाह कर लो, हमसे शादी कर लो। लक्ष्मण बोले, भगवान राम बोले लक्ष्मण मैं तुमको पहले से ही बोल रहा था, देखा कहते सब शादी कर लो, तू शादी कर ले। भगवान राम ने कहा देखो ये रामावतार में मैं सीता के सिवाय और किसी को मैं शादी ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम लीला है। जब मैं कृष्णावतार में आऊँगा तुम लोग सब के सब गोपी बन करके आओ और तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करूँगा। वही जो थी सब के सब द्वापर युग में ये गोपी बन करके आए। जब भगवान राम वनवास में गए थे, दंडकारण्य में पहुँचे, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग कठोर तपस्या कर रही थी भगवान को प्राप्त करने के लिए। अभी राम को देख करके पति रूप में प्रार्थना की, भगवान बोले नहीं तुम सब के सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। कहते ये सब के सब ब्रज में कृष्ण लीला में ये गोपी बन करके आए। कहते अब रामायण में जब भगवान राम सीता को उन्होंने त्याग दे दिया, त्याग देने पर रामचंद्र यज्ञ कर रहे थे, वशिष्ठ जी ने बताया प्रभु बगैर पत्नी के आप यज्ञ कर ही नहीं सकते, इसलिए कोई भी शुभ काम में नियम है पत्नी को वाम पार्श्व में रख करके फिर पति पत्नी दोनों कोई शुभ काम कर सकते हो। इसलिए आपका तो पत्नी है ही नहीं, सीता को तो जंगल में छोड़ दिए, इसलिए आपका पिता तो तीन तीन शादी किए, कौशल्या कई कई सुमित्रा, आप और एक शादी कर लो। बोले मैं सीता के सिवाय और किसी को मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सीता पवित्र है, लेकिन उनको पवित्र नाम पर लोगों ने कलंक लगाया, इसलिए मैं और किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। बोले आप सोने की सीता बना करके वाम पार्श्व में रखो, फिर आप यज्ञ कर सकते हो। बोले ये तो मैं कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने हर साल एक एक सोने की सीता बनती थी और वशिष्ठ जी उनमें प्राण संचार करते थे और उस साक्षात सीता बन जाती थी। भगवान राम 11,000 साल तक उन्होंने राजत्व की, 11,000 साल में 11,000 सीता बनी, उस शिशु सीता गई कहाँ। ये सब के सब कृष्ण अवतार में ये सब गोपी बन करके आए और भगवान कृष्ण सबको भगवान कृष्ण स्वीकार किया। देखो कृष्ण ऐसे के देवता है, इन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं, कुब्जा को भी नहीं छोड़े, पुतना को भी नहीं छोड़े, किसी को भी किसी रूप में भी कृष्ण को पास में कोई आ गए भगवान कृष्ण सबको उन्होंने अपना लिया है, किसी को ठाकुर जी नहीं छोड़े। सिखा देते हैं अगर हम भगवान कृष्ण को शरण में जाए, आप किसी रूप में क्यों नहीं हो लेकिन कृष्ण किसको त्याग नहीं देते, भगवान सबको अपना लेते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। अभी आज हम लोग श्रवण करेंगे, कल तो मथुरा में कृष्ण प्रकट हुए थे,
आज हम श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके कैसे प्रभु जन्म हुए। कहते नंद बाबा की जो पिताजी थे उनका नाम था श्री परजन बाबा। कहते उनको था 5 बच्चे थे, उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंदन। ये 5 बच्चे थे। अभी बच्चों को उन्होंने सारे काम धाम सौंप दिया, शादी सुधा करा दिया। लेकिन नियम पहले होता था जैसे 4 आश्रम में पहले 25 साल तक सबके सब गुरु गृह में जा कर के अध्ययन करते थे, फिर 25 साल के बाद में 50 साल बाद तक गृहस्थ धर्म जागरण करते थे। लेकिन 50 साल के बाद में फिर घर में कोई नहीं रहते थे। अब रामायण देखे, जब दशरथ महाराज देखा एक बाल उनको सफ़ेद हो गया, बोले और नहीं रहनी चाहिए। इसलिए राम को राज्याभिषेक करके वो चाहते थे वानप्रस्थ में जाए। इसलिए 50 साल के बाद में शास्त्र कहता है 50 ऊर्ध्वे वनम व्रज, बोले 50 साल के बाद में घर में नहीं रहनी चाहिए। देखो इसमें अंक क्या आता है, 51 बा बन, मतलब घर में नहीं वृंदावन जाओ। इसे बन बन चौ बन, ये बन शब्द आता है। इसलिए शास्त्र निर्देश देता है 50 साल के बाद में घर में नहीं रह करके कहाँ जाओ, भगवान के भजन करने के लिए जाओ। क्योंकि ये जो जीवन हमें मिला है, किस लिए ये जीवन मिला हमें, ये जीवन प्राप्ति का उद्देश्य किया है। कहते आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कल हम कथा सुन रहे थे ना, जब बच्चे का 7 महीना गर्भ में हो जाता है उसको 1000 जन्म की बात याद आता है, पूर्व पूर्व जन्म में हमने क्या क्या कर्म किया और ये गर्भ में कितना दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करता है, बोले प्रभु हमें ये नरक से निकालो जल्दी। भगवान क्या कहते हैं, अभी क्या करोगे बताओ। बोले अगर एक बार मेरे को निकाल दोगे तो फिर उठते बैठते सोते मैं तेरे नाम ही जप करूंगा, तेरे भजन करूंगा। इसलिए हम लोगों ने सबके सब मातृगर्भ में कसम खा करके आए कि जो मानव शरीर दे रहे हो ये जीवन पा करके हम भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए लोग क्या करते थे 50 साल के बाद में कहा क्या करते थे, फिर चले जाते थे वानप्रस्थ में, फिर दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की भजन करते थे। कहते अगर 50 साल बाद में भजन नहीं करोगे, देखो क्या अंक आता है, 68 60 61 62, ये 60 60 क्यों आता है। कहते फिर सठिया बन जाओगे, फिर तुमसे कुछ होने वाले नहीं, सठिया बन जाओगे। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को बोलते हैं, बोले बच्चों कौमार आचरित प्राज्ञम, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको 5 साल से प्रभु की भक्ति करना शुरू कर देनी चाहिए। तो बच्चों ने कहा प्रहलाद 5 साल से क्यों भक्ति करे, जब बड़े हो जाएंगे भक्ति करेंगे। प्रहलाद कहते हैं क्या तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है, अभी कोरोना आया ना, देखा कितना लोग कैसे मर रहे हैं। हमने जो श्वास छोड़ा है क्या किसको पास में गारंटी है श्वास ले सकते हैं, किसको पास में कोई गारंटी है। बोले निश्वास है नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति, ये निश्वास में कोई विश्वास नहीं, कब ये निश्वास हमारी बंद हो जाएगी। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति 5 साल से, कितना उम्र से करनी चाहिए, जोर से बोला 5 साल से भक्ति करनी चाहिए। फिर बच्चों ने दूसरा प्रश्न की, बोले नहीं अगली जीवन में करेंगे भक्ति। प्रहलाद कहते हैं दुर्लभम मनुष्य जन्मम, बोले बच्चों ये जो मानव शरीर है ये सहज में नहीं मिलता है, ये तो 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ये मानव शरीर भगवान दिया, जिसको भगवान राम स्वयं कहते हैं बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ श्रद ग्रंथन गावा, ये शरीर सहज में नहीं मिलता है, देव दुर्लभ शरीर है। इसलिए लेकिन कहते 68 60 61, लेकिन इनका कल्याण क्या होगा कि नहीं होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं भले सठ सुधरे सत संगत पाए, कहते ये सठों का कल्याण हो सकता है, अगर इनको कहीं सत्संग अगर मिल गया तो फिर तो इनके कल्याण हो सकती है, नहीं तो कल्याण होना कठिन है।
इसलिए भगवान की भक्ति हमें बचपन से, बताओ मीरा कितना उम्र से भजन की, 5 साल से भजन की। ध्रुव प्रहलाद ने कितने साल से भजन की, 5 साल से भजन की। हनुमान ने कितने उम्र से भजन किया, 5 साल से भजन किया है बचपन से। तुलसीदास का नाम सुने होंगे, कितने यंग उम्र में भजन किया है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं हम बचपन से क्यों भक्ति करनी चाहिए। देखो उन्होंने कुछ उदाहरण दिया है, जैसे कच्चा मिट्टी हो, कच्चा मिट्टी में जो बनाना तो हम बना सकते हैं, अगर मिट्टी अगर पक जाती है फिर उसमें कुछ बनेगा, वो नहीं बन सकता है। पक्के मिट्टी से कुछ नहीं बना सकती हो। पौधा जब छोटा हो ना, एक जगह से उखाड़ करके दूसरे जगह में बो सकते हो, जम जाएगी, लेकिन इसका जड़ जब ज़्यादा नीचे चले जाएगा, उखाड़ो और बो नहीं होगा है, वो वृक्ष नहीं बनेगा। फिर जैसे कोरे कागज में जो कुछ लिखना, कोरे कागज में लिख सकते हो, एक बार लिखने के बाद उसको फिर 2 बार लिखने के लिए जाओ, वो दोनों ही जाएगा। कहते बांस जब कच्चा रहता है उसको जिधर टेढ़ा करना उधर उधर टेढ़ा हो जाएगा, पक जाए वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति बचपन से भक्ति करो, बुढ़ापा में नहीं। वो मना कर देते हैं बुढ़ापा में भक्ति नहीं होता है, बोले क्यों, देखो उन्होंने किया उदाहरण दी। बच्चों ने पूछा कि बुढ़ापा में भक्ति नहीं कर सकते हैं, देखो उन्होंने किया उदाहरण देते हैं। कहते मानो एक व्यक्ति 100 साल जिंदा रहेगा, कितना साल जिंदा रहेगा, 100 साल, आधा रात आधा दिन, मतलब वो 100-100 करके 50 साल खत्म, बाकी रह गया 50 साल। अभी 10 साल तक तो बचपना रहता है, बच्चे खेलते कूदते हैं, कितना हो गया 50-10 कितना हो गया 60। अभी 20-25 साल तक पढ़ाई के लिए चाहिए, कम से कम इंजीनियर डॉक्टर सीए बनो, कितना साल लग जाती है, कितना साल जाती है, 25 साल कम से कम लग जाती है। 50 तो 100-100 कर गया, 25 साल, 50-25 कितना हो गया, 75 हो गया। अभी बच्चा कितना, 25। कहते 80 साल से लेकर के जो 100 साल का जीवन है, जो बुढ़ापा है, कमर टेढ़ी हो गई, बैठ नहीं पा रहे हैं, कान में सुनाई नहीं दे रही है, आँख में नज़र कम हो गई हैं, बैठ तो उठ नहीं सकते हैं, बैठ तो उठ नहीं सकते, तरह तरह का बीमारी आ करके बुढ़ापा में, इतने बीमारी एक को बाद में दूसरे, दूसरे को बाद में तीसरे बीमारी आ जाती है। यहाँ पर पूछो कोई 80 साल का क्या कोई है, अभी तो 80 साल पहले ही मर जाते हैं, 80 साल तो जिंदा। प्रहलाद महाराज हिसाब दे रहे हैं बच्चों को, कहते जो बुढ़ापा में कहते भजन करोगे कैसे भक्ति नहीं होता है, हैं 80 साल से लेकर 100 साल तक तो कोई काम की नहीं, केवल शरीर चिंता चिंता करता है, बीच में 5 साल रह गया। कहते 5 साल में इतने अपुरंत कामनाएं, बच्चों को लिखाई पढ़ाई सिखाना, बेटी को शादी करवाना, बच्चों को बिजनेस में लगाना है, अपना घर मकान संभालना, इतने कामना हमारी अंदर में। आप देखना 100 साल के तो हम हो गए, स्वयं को पूछो वो 200 साल का प्लानिंग बनाकर बैठे रहते हैं, ये करना वो करना वो करना वो करना। तब प्रहलाद ने कहा बताओ तुम कहते हो बुढ़ापे में भजन कर, क्या भजन करोगे। और जितने ज्यादा उम्र हो जाती है, आप स्वयं को स्वयं देख लो, आप ठाकुर के सामने 10 मिनट बैठो, हम ठाकुर जी को थोड़ी याद करेंगे, अब स्वयं देख लो 10 मिनट के बाद ठाकुर के सामने बैठो, 10 मिनट में 1 मिनट भी भजन में नहीं लगेगा। क्यों, रील में जो भरा हुआ होगा वही तो निकलेगा ना, रील में तो हम कचड़े भर करके रखे हैं, आंख बंद करते ही बेटा बेटी नाती पोती दुनिया मकान यही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा इसके सिवाय। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों कहते हैं जैसे एक छोटे बच्चे हैं, अब कोई चीज याद करने के लिए बोलो झट याद कर लेगा, किसी बूढ़े को बोलो याद करो, दिन भर रटते रहेंगे एक शब्द भी याद नहीं होगा, क्योंकि पक गए ना। इसलिए यहाँ पर इसलिए पहले पहले यही नियम होता था 50 साल के बाद में, और जितने जो धर्म हैं पति पत्नी दोनों मिलकर के बचपन से भक्ति करते थे, पहले गीता रामायण बच्चे पढ़ते थे घर में, ये टीवी नहीं होता था, स्मार्टफोन तो दुनिया को एकदम पूरा खत्म कर दिया ये स्मार्टफोन। देखो एक समय हमारे जो बड़े गुरुजी थे, ध्यान देकर सुनो, बड़े गुरुजी थे, किसी ने आकर के बोला गुरुजी बेचा बेटा बात नहीं सुनता है। गुरुजी ने कहा रामायण पढ़ते हो, बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया, बोले नहीं।
बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा, तो बच्चे तो यही यही काम करेंगे। क्योंकि अगर रामायण पढ़ता है, रामायण में क्या लिखा हुआ है, प्रात उठई रघुनाथा मात पीत गुरु नमई माता। ठाकुर जी सवेरे उठ करके पहले पिता माता के चरण को छूते थे, है ना, छूते थे। रामायण देखे कि नहीं आप लोग, जब दशरथ महाराज शयन करते हैं उसी समय भगवान राम स्वयं उनकी चरण दबाया करते थे। अगर बच्चे अगर रामायण पढ़ते तो फिर पिता माता को तो फिर आदर करेंगे ना, फिर तो पिता माता को आदर करेंगे, पिता माता की सेवा करेंगे। लेकिन बच्चे को हम रामायण पढ़ाते नहीं, क्या करते हैं, इसको स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं, 10-20 हजार रुपया की स्मार्टफोन पकड़ा दिया। फिर बच्चे बड़ा क्या बनेगा, सीखेगा फिर क्या। इसलिए क्या करो, पहले सवेरे उठ करके पिता माता की हमें चरण छूनी चाहिए पहले पिता माता की, क्योंकि पिता माता की आशीर्वाद से हम बड़े बन सकते हैं, आश्रम का आशीर्वाद से। पूछो कोई बच्चे अभी पिता माता का चरण छूते हैं, कोई छूते हैं, कोई छूते नहीं पिता माता की, क्यों, स्वयं पिता ही भक्ति नहीं करता है। जब स्वयं पिता रामायण नहीं पढ़ेगा, अब इंडोनेशिया का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं, वहां पर अभी मुसलमान कंट्री हो गया, पहले तो हिंदू राज्य था, अभी उनको देश से मुसलमान लोग हमारे भारत से ये संतों को बुला करके वहाँ रामायण सुनते हैं इंडोनेशिया में। पूछे भैया तुम लोग रामायण क्यों सुनते हैं, बोले इसलिए अपना बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए, और घर में जो बेटी और जो बहू है ना उनको सती बनाने के लिए, क्योंकि रामायण में ही है ये रामायण कैसे बनी। जब एक धोबिनी आ रही थी, आते आते हो गया शाम, और वो नदी को पार नहीं कर पाई, किसी घर में, किसी केवट घर में एक रात रुक गई। उसको पति ने पूछा पिछली रात तुमने कहाँ बिताई, बोले ऐसे ऐसे बात, बोले जहाँ रुकी ना वहीं पर जाकर जीवन बिताओ। इसलिए भगवान राम को सीता को त्याग देना पड़ा, क्यों, कारण क्या है, कारण यही था। अगर रामायण कोई पढ़ेगा तो जो माताएं ये सती बन करके रहेगी, इसलिए भगवान आदर्श रख कर गए। ये आदर्श को ठाकुर जी इसलिए रख करके गए, इसलिए भगवान राम कितना साल के लिए वनवास गए थे, 14 साल के लिए ठाकुर जी वनवास गए। क्यों, केवल दशरथ महाराज की पिताजी की वाक्य रक्षा करने के लिए। अभी किसी बच्चे को बोलो 14 दिन के लिए पिता माता का थोड़ा आदेश पालन करो, अपना मनमर्जी 14 दिन के लिए घूमने जा सकते हैं, लेकिन पिता माता की आदेश पालन करने के लिए 1 दिन भी पिता के आदेश पालन नहीं करेगा। क्यों, रामायण हम नहीं पढ़ते, मुसलमान देश का लोग अभी रामायण सुनते हैं, क्यों, बच्चे संस्कारी बने हैं, पिता माता के साथ में कैसे प्रेम होनी चाहिए, कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए, भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए, कौन सिखाता, रामायण हमें सिखाता है। लेकिन ये रामायण भक्ति से कोई हमारी मतलब नहीं। पूछ लो हिंदू बच्चों को, कोई गीता का कोई एक श्लोक बोल दे, कितना अंट संट उल्टा पुलटा सब याद कर रखेंगे। उसी दिन में बता रहा था ना, मैंने 10 साल एक बच्चे को पूछा, मैंने तुमने कुरान जानता हो, मुसलमान का, वो झटा झट कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितने साल से कुरान पढ़ाते हैं, बोले कंपलसरी 2 साल उम्र में, बच्चों को टोपी पहना करके आप देखे होंगे शुक्रवार का दिन मेन रोड में बैठ कर कुरान पढ़ाते हैं। हम अपना बच्चों को करते हैं, बताओ कोई अपना बच्चे को बोलता है गीता रामायण पढ़ो, नहीं, कि बोलो पढ़ो 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 पैसा कमाने का ATM कार्ड बनाते हैं, और बच्चे लास्ट में पिता माता को अनादर करते हैं। हाँ, इसलिए पढ़ाई करो लेकिन भक्ति को साथ में करो, फिर तो पिता माता को बच्चे भी आदर करेंगे, फिर राम जैसे बेटा, सीता जैसे बेटी बहू हो, और घर में रामायण गीता हो, बस वही घर ही अयोध्या, वही घर ही अवध। अयोध्या मतलब क्या है, जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होता है, अवध मतलब क्या है, जहाँ पर कोई मरते नहीं, फिर हमारा घर ही अयोध्या, अवध हमारी घर ही बन जाएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए भगवान राम सी क्या किए, कहते अभी 50 साल के बाद में उन्होंने चले गए, बड़ा बेटा को राज्याभिषेक कर दिया, राज्याभिषेक बड़ा बेटा को करके उन्होंने वानप्रस्थ में चले गए।
अभी चार बच्चों का संतान है, लेकिन एक बच्चा जो मझिला बेटा था, कौन कहते श्री नंद बाबा, उनको घर में कोई संतान नहीं। वो बड़े सोच में पड़े हुए, भविष्यत में ये राजगति को कौन संभालेगा, राजगति को बड़े चिंता में पड़े हुए हैं। एक दिन एक एकादशी आई, जो एकादशी का नाम था पुत्रदा एकादशी, हाँ, जो पुत्र को प्रदान करती है। अभी नंद यशोदा सोच रहे हैं, हमने तो संतान के लिए समस्त पूजा सेवा अर्चन और दान किया है, लेकिन अभी तक हमने ये एकादशी पुत्रदा एकादशी हमने नहीं रखा है। देखो ये जो एकादशी है ना, कहते इसको बताया कि ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब है, कहते एकादशी करते हुए आप जो मांगोगे ठाकुर जी को, ठाकुर जी आपको सब कुछ देंगे। इसलिए एकादशी, हर एकादशी का अलग अलग नाम है। एक एकादशी का नाम है इंदिरा है, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, अगर वो एकादशी करे तो घर में लक्ष्मी आती है। एक एकादशी का नाम पुत्रदा, कहते जिसको पुत्र संतान नहीं, अगर वो एकादशी करे तो उसके घर में पुत्र की जन्म होता है। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, अगर वो एकादशी करे तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाती हैं। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, मतलब जिसको करने से जीव जन्म मृत्यु से मोक्ष प्राप्त करते हैं। मतलब एकादशी व्रत आप करते हुए जो मांगोगे ठाकुर जी को, ये एकादशी व्रत आपको सब कुछ एकादशी प्रदान करेंगे। इसलिए उन्होंने देखा, हमने सारे बार व्रत तो रखे हैं, लेकिन अभी तक हमने ये मोक्षद ये पुत्रदा एकादशी व्रत नहीं किया, चलो हम दोनों एकादशी व्रत रखते हैं। जब उन्होंने एकादशी व्रत रखा, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा, बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुट मसो क्रीडांग मयम लोक्यते। उन्होंने स्वप्न देखा, आकाश में बिजली जैसे चमकते हुए दो बालकों को देखा, और उन्होंने देखा दो बालक, एक लड़का एक लड़की, पहले नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया, फिर इनके हृदय से फिर उन्होंने श्री जसोदा के हृदय में प्रवेश किया। अभी दोनों का आँख खुल गई। नंद बाबा ने कहा, बोले जसोदे जसोदे, मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। जसोदा बोले, मैंने भी एक सुंदर स्वप्न देखा, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। नंद बाबा ने कहा, मैंने देखा तुम्हारी गोद में एक सुंदर श्याम सलोन सा बालक तुम्हारी गोद में पौड़ रहा है, और दूध पीते पीते उनको दोनों धारों से दूध बह रहा था, कुर्ता भीग रहा था। जसोदा बोली, मेरे स्वप्न सुना। बोले बताओ। बोले मैंने भी स्वप्न देखा, एक सुंदर बालक मेरे पीछे पीछे माँ 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 करते करते पीछे पीछे आ रहे हैं, और मेरे कपड़े को पकड़ करके कहते मेरे को गोद में ले लो, मेरे को दूध पिला दो। मैंने ये स्वप्न देखा। सचमुच से उसी रात को ही मैया जसोदा ने गर्भ, इतने ब्रजवासी थे, इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, बोले हमारे राजा जन्म लेने वाले हैं। सब लोग प्रसन्न हो गए, पूरा ब्रज में जय जयकार हो रहा है, श्री नंद रानी की बच्चा होने वाले। जितने ब्रज की गोपियां थी, छः छः महीना पहले सबके सब 84-84 गज के लहंगा चुंदरी बना करके रखी। बोले नंद के लाला होगा तो हम सबके सब इसको पहन करके बधाई देने के लिए हम जाएंगे। जितने गोप लोग थे, बगल बंदी धोती और पगड़ी बना करके रखे। बोले नंद के लाला होगा तो हम इसको पहन करके हम बधाई देने के लिए हम जाएंगे। अभी पूरा ब्रज में जय जयकार हो रहा है, नंद के लाला होने वाला है, एक बार जयकार दो। बोले श्री नंद के लाला की जय। कोई जय कोई है बोल रहे हो, अरे जोर से तो जयकार लगा। बोले श्री नंद के लाला की जय। अभी पूरा जय जयकार ब्रज में हो रहा है, क्योंकि ठाकुर जी जन्म ग्रहण करने वाले। अभी मैया जसोदा के अंदर में कुछ लक्षण दिख रहा है बच्चा जन्म होने का। एक बड़ी बड़ी गोपियों ने कहा, बोले देखो तेरे गर्भ में लाला होने वाला है। बोले पता कैसे चला। बोले तुम्हारी जो होठ है ना, वो पीला पीला दिख रहा है, इसका मतलब घर में बेटा होगा। एक गोपी बोली, तुमने कुंवारी समय में कोई जुड़मा केले तो नहीं खा ली थी। बोले क्यों। बोले लगता है तुम्हारे गर्भ में दो बच्चे होने वाले। मैया तो डर गई। बोले पहला बार बच्चा होने वाले, बोले दो बच्चे होने वाले,
हैं। इतने में बोले बोले चिंता मत करो, राम जो करेगा अच्छो करेगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। गर्भ में जो बच्चे हो माताओं को चटपटी अच्छी लगती है, मिर्च मसाला खट्टा ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैया बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर रही है, तो उनके लिए सुंदर खीर बनवाई, ठाकुर जी को उन्होंने भोग लगाए और मैया जसोदा को खीर खिलाए। हाँ देखो माताएं ध्यान देकर सुनो, एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार किसको कहते हैं? अगर गर्भ में बच्चे हैं, माता अगर गीता पढ़े रामायण पढ़े भागवत ये सब ग्रंथ पढ़े ना, कि बच्चे को ऊपर में बड़े अच्छा संस्कार पड़ता है, आप देखना वो बच्चा इतने धार्मिक होगा, इतने गुणवान होगा जो सोच नहीं सकते हो। अगर गर्भ में बच्चे रहते समय अगर माता ही गीता रामायण भागवत अगर ये ग्रंथ पढ़े, आप लोग महाभारत देखे कि नहीं? कौन कौन महाभारत देखे? देखो जब कुरु पांडव में युद्ध हो रहा था, अभी द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचना की, लेकिन वो चक्रव्यूह को केवल अर्जुन के सिवाय कोई उसको नहीं जानते थे, लेकिन अर्जुन दूसरे तरफ में चला गया। अभी ये चक्रव्यूह को भेद कौन करेगा? अभिमन्यु ने कहा मैं भेद करूंगा। बोले कैसे तुमने सीखा? बोले जब मैं माँ के पेट में था, सुभद्रा की गर्भ में, मेरे पिता माता सो रहे थे, मेरी मैया सुभद्रा अर्जुन से पूछा ये चक्रव्यूह क्या होता है, तो अर्जुन ने चक्रव्यूह की बात बताई, लेकिन बताते बताते इतने में सुभद्रा बीच में सो गई। सो गई तो अर्जुन को जब पता चला सुभद्रा तो सो गई, फिर मैं चक्रव्यूह की बात किसको बताऊंगा, फिर अर्जुन अभी बोलना बंद कर दिया। इसलिए अभिमन्यु कहता है मेरे पिताजी कैसे भेद करेगा, तो बोल दिए, इसलिए गर्भ में रहते रहते मैं सुन रहा था। देखो कितने बड़े संस्कार है, उसने गर्भ में सुन लिया तो चक्रव्यूह को उसने भेद कर दिया है। रामायण देखे कि नहीं अब लोग? लव कुश देखे हो? ये लव कुश कैसे हुई? जिस समय सीता गर्भवती थी, आप लोग रामायण देखे होंगे, एक समय बड़े बड़े संत लोग आए अयोध्या में, भगवान राम तो प्रसन्न हो गए, बोले सारे संतों को उन्होंने बुलाए, बोले आज राम दरबार में सत्संग होगी। तो उन्होंने सीता को एक आसन देकर बैठाए, सीता जी को आसन देकर बैठाए, बोले सीते तेरे को पता आज क्यों सत्संग बुलाया? बोले क्यों? बोले अभी तुम गर्भवती हो, अगर इसी समय तू सत्संग सुनोगी तुम्हारे पेट में जो बच्चा होगे ना बड़े बुद्धिमान बनेंगे, बड़े बलवान बनेंगे। लव कुश देखे हो? लव कुश क्या बुद्धि, भगवान राम को राम दरबार में राम कथा सुना रहे थे, और क्या उनको संगीत का क्या शोर सुने कि नहीं, क्या संगीत गा रही थी, और क्या बलवान, जहां पर हनुमान शत्रुघ्न और लक्ष्मण सबको उन्होंने धराशायी कर दिया, इतने बलवान ये लव कुश। बोले बोले कैसे बने? बोले गर्भ में रहते समय उन्होंने भगवान की सत्संग सुने, ठाकुर की उन्होंने कथा सुने, इतने प्रभाव है। इसलिए माँ जसोमती को अगर बच्चे में गर्भ में बच्चा है, डिस्को डांस उल्टा पुल्टा फिल्में देखोगे, फिर तो बच्चा गुंडा बनकर जाएगा, फिर वो बच्चा किसी का आदर जत्न नहीं करेगा। इसलिए ये गर्भ संस्कार इसको कहते हैं, हैं? अभी मैया जसोदा को सुंदर सुंदर भगवान की विष्णु की राम की सुंदर सुंदर कथा सुनाया जाते हैं ठाकुर जी की, जैसे बच्चा जैसे गर्भ में अच्छा बच्चा हो संस्कारी बने हैं। अभी कृष्ण जन्म ग्रहण करने वाले, लेकिन नंद बाबा की एक बहनी थी जिसका नाम थी सुनंदा, वो सुनंदा तो 6 महीना पहले आकर घर में बैठी गई। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भवती, अभी भाभी की बच्चा होगा, बच्चा होगा तो क्या होगा, हमें नवला की हार मिलेगी। वो 6 महीना पहले से आकर बैठ गई और घर का सारे काम काज को वही कर रही थी, हैं? सारे काम काज वही कर रही थी सुनंदा। अभी लग रहा था आज रात को ही किसी बच्चे का जन्म होने वाले हैं। बोले एक काम करो, रात 8 बजे तक गांव में जगे रहते हैं, उसको बाद में सब सो जाते हैं। बोले एक काम कर लो, पता नहीं आज रात को बच्चा जन्म होने वाले, 2 घंटा 2 घंटा ड्यूटी लगवा दो, 2-2 घंटा कीर्तन करेंगे, ढोलकी चिमटा और मजरा पकड़वा दिए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद।
बजे तक जिनको ड्यूटी लगाई हो तो कीर्तन की, लेकिन 10 से 12 बजे तक जिनको ड्यूटी लगाई, अभी कान्हा जन्म लेने वाले, जोग माया ने सबको सुला दिया। कहां चिमटा गिरी, कहां ढोलकी गिरी, कहां मजला गिरी, किसको पता ही नहीं चला। इतने में वसुदेव महाराज आए, कहां से आए, मथुरा से बच्चे को लेकर के आए, जो मैया जसोदा ने दो बच्चे जन्म दिया, कहते एक कृष्ण को फिर एक जोग माया को। फिर आप बोलो फिर दो कृष्ण हो गया, एक मैया ने जन्म दी, एक मथुरा से, फिर कहाँ गई और एक कृष्ण कहाँ गई। बोले जो गोकुल का जो कृष्ण जन्म है वो पूर्ण कृष्ण है, और मथुरा जो कृष्ण है वो अंश कृष्ण। ये पूर्ण कृष्ण ने क्या किया, अंश कृष्ण को अपना शरीर में मिला दिया, लेकिन पता नहीं चला रात को क्या हो गया। लेकिन नंद बाबा क्या सोच रहे, लाला मेरो है। वसुदेव क्या सोच रहे, लाला मेरो है। सचमुच से दोनों का ही लाला, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे ना, ये दोनों ने ही भगवान की आराधना की है। एक तो उन्होंने बालक रूप में प्रार्थना किया, एक ने वात्सल रस को प्रार्थना की, इसलिए ठाकुर जी दोनों की इच्छा को ठाकुर जी ने पूरी किए। अभी एकदम सवेरे सवेरे सुना था कि आग खोली, देखा सबके सब सोए पड़े हुए। बोले भैया भाभी का क्या हालत है, अभी जाकर तो देखो तो सही। उसने दरवाजा खोल करके देखा, श्री मैया की कोक में कृष्ण किलकार मारते हुए खेल रहे हैं। बोले लाला का कब जन्म हो गया, किसको पता ही नहीं पड़ा। बोले ये खबर सबसे पहले भैया नंद को देनी चाहिए, क्योंकि मेरे को नवला की हार मिलेगी। लेकिन भैया है कहाँ, ढूंढो। ढूंढते ढूंढते जाकर देखा ब्रह्मांड घाट में माला जप कर रहे, माला तो जप नहीं हो रहा था। वो सोच रहे थे घर में लाला कब होएगा, लाला कब होएगा, लाला कब होएगा, यही सोच रहे थे। इतने में सुनंदा ने आकर के बोल दिया, बोले भैया कमाल है, गए हुए हैं, कमाल हो गया है। इतना बोलते नंद बाबा तो छलांग लगा दी। बोले बहन कहाँ गए हुए। बोले मैं 6 महीना पहले से बैठी हूँ, बताओ मेरे को क्या मिलेगा। बोले ले नवला की तो हार ले ले। बोले भैया बात इतना बड़ी है जिसको सामने, ये नवला की हार भी कछु ना। बोले क्या बोल रहे हो, नवला की हार है, ये कोई साधारण बात है। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है, बता और क्या दोगे। बोले जमुना किनारे में जितने जमीनी जगत है ना, तेरे नाम पर सब लिख देना, या उसको ले लेना। बहन बोली भैया बात इतने बड़ी वो भी कुछ नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, सारी जमीनी जगह तेरे नाम पर लिखवा दिया। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी, बता और क्या दोगे। बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी का डिब्बा पकड़ ले, जो इच्छा सो ले लेना, लेकिन बता तो सही घर में कहाँ भय होए। बोले भैया तेरे घर में लाला भय होए। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फिर तो नंद बाबा वही सही दौड़ लगाए, कितना उन्होंने कठोर तपस्या की घर में एक लाला हो जाए। जब पहला बार उन्होंने लाला को दर्शन, मुख दर्शन किया, वो इतने प्रसन्न हुए। उन्होंने मन मन में संकल्प कर लिया, क्या संकल्प कर लिया, बस 20 लाख गैया तो मैं ब्राह्मण संतों को दान दूंगा, और 7 तिल का पर्वत, तिल का दान बहुत महत्व है, 7 तिल का पर्वत में दान दूंगा। उन्होंने संकल्प किया, संकल्प करके बोले आज मेरे घर में जो संतान भयो है, ये ब्राह्मण साधुओं का कृपा से हुआ है, इसलिए पहले ब्राह्मण साधुओं को बुलाओ, अभी पहले ये लोग बच्चों को आशीर्वाद दे। सारे साधु ब्राह्मण आकर के लाला को आशीर्वाद दे रहे थे, तब उन्होंने नाई को बोल दिया, बोले जाओ पूरा ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवा दो, मेरे घर में लाला भयो है। सबके सब लाला को बधाई देने के लिए आए, और जितना गोपियाँ थी
84 गज के लहंगा चुंदरी पहन करके दूध दही मक्खन घी लेकर के सबके सब आ रही थी। आती समय उनको कान में कुंडल थी, वो कुंडल जोर जोर से हिल रहा था। बोले कुंडल क्यों हिल रहा था? बोले तुम पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, हम पहले जाकर के लाला को दर्शन करें, बधाई दे। कहते चोटी में जो सुंदर सुंदर माला की ग्रंथन की थी वो एक एक इनके चरण में गिर रहा था। बोले क्यों? बोले कृष्ण के बधाई जो देने के लिए जा रहे हैं उनके चरण की हमें पूजा करनी चाहिए हैं। अगर ये ब्रज रज में मिल जाएंगे तो कृष्ण जब बड़े होकर के गली गलियों में ठुमुक ठुमुक करके चलेगा, कम से कम उनका चरण स्पर्श हमें प्राप्त होगा। इसलिए जितने गोपियां थी सबके सब श्री मैया जसोदा को बधाई दे रही थी। देखो मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग सबके सब बोलना बधाई हो बधाई हो, ठीक है? बोले मैया जसोदे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आनंद नहीं आया है, लगता है आज कोई व्रत रखे हो। व्रत आज कोई है नहीं है ना, पर आवाज क्यों नहीं आ रही है? जोर से बोलो, अगर इसी घर में झगड़ा हो ना तो गांव के दूसरे कोने में पता चलता है इसी घर में लड़ाई हो रही है। और तुम लोग बोल रहे यहाँ तक भी पता नहीं चल रहा है, जोर से बोलो। बोले मैया जसोदे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैया बोली बधाई हो, बधाई हो ब्रज की गोपियों, ये बूढ़ी उम्र में भी तुम लोगों का आशीर्वाद से मेरे को लाला को मुख दर्शन करने को मिला है, ये सब तुम लोगों का आशीर्वाद है। और जितने ब्रज गोपियाँ थी ना, देखो बड़े बूढ़ी अगर किसी को बच्चे को आशीर्वाद देते ना, वो आशीर्वाद फलता फूलता है। इसलिए जितने बड़े बूढ़ी सब गोपियाँ थी सब के सब अपना हृदय से कन्हा को आशीर्वाद दे रही थी। बोले क्या बोल रही थी? बोले जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियोरी जसोदा मैया तेरो ललना। सबके सब आशीर्वाद दे रही थी। और जितने गोप लोग थे सबके सब श्री नंद बाबा को बधाई दे रहे थे। सारा दुनिया नाच रही थी गा रही थी, लेकिन सबके सब तो नाच रही थी गा रही थी, लेकिन केवल एक व्यक्ति वहां नाच नहीं रही थी गा रही थी। बोले कौन? बोले माता रोहिणी। बोले रोहिणी क्यों नहीं नाच रही थी? बोले कारण है जो रोहिणी वो प्रसिद्ध भत्रिका। प्रसिद्ध भत्रिका मतलब क्या? बोले जिसका पति दूर देश में हो लेकिन दुख में हो। बोले पति कौन? बोले वसुदेव महाराज। बोले कहाँ पर? बोले जेल में, कंस की जेल में बैठा हुआ। अगर किसका पति अगर जेल में बैठा हुआ है वो पत्नी सबको सामने नाचेगी क्या? वो नहीं नाच सकती हैं। इसलिए वो तो बड़ी दुखी होकर घर में दाऊ भैया को लेकर बैठी हुई थी। नंद बाबा ने देखा सबके सब नाच रहे हैं गा रहे हैं, लेकिन घर का सदस्य ही यहाँ पर नहीं, रोहिणी कहाँ है? देखा रोहिणी तो चुपचाप बैठी हुई। विशेष करके श्री बलदेव प्रभु जब से जन्म हुए 15 दिन पहले जन्म हुए, लेकिन वो आंख बंद करके जन्म हुए थे। वो सोच रहे थे सबसे पहले जब आंख खोलूंगा मैं अपना कन्हैया को देख करके फिर सारा दुनिया को मैं देखूंगा। इतने में नंद बाबा ने बोले रोहिणी कम से कम मेरे लाला को तो आशीर्वाद दे सकती है ना, चलो मेरे लाला को आशीर्वाद दे करके आ। फिर उन्होंने बलदेव प्रभु को ला करके कृष्ण को पास में सुला दी। इतने में जब बलदेव प्रभु ने देखा कृष्ण का सामने में आ गया, उन्होंने आँख खोल दी। जब आँख खोले सामने कृष्ण का दर्शन किया, फिर तो रोहिणी यद्यपि थोड़ी दुखी थी लेकिन जब देखा लाला ने आँख खोल दिया उनको रहा नहीं गया, फिर तो मैया रोहिणी ठुमुक लगा करके फिर तो नाचना शुरू कर दी। अभी संपूर्ण ब्रजवासी आ गए लेकिन अभी दो व्यक्ति नहीं आए। बोले कौन? बोले श्री
वृषभ हनुमान महाराज और कृतिका मैया, क्योंकि नंद बाबा वृषभ हनुमान महाराज दोनों मित्र थे। अभी उनको भी उन्होंने निमंत्रण दिया था, अभी तक वो आए नहीं, इसलिए बोले वो दोनों आ जाए ना, फिर अच्छे तरह से ये नंद महोत्सव होगा। देखते देखते कृतिका सुंदरी वृषभान महाराज प्रवेश किए। जब प्रवेश किए, एक गोप ने लठिया लेकर के मैया कृतिका जो सर के ऊपर में दूध दही मक्खन मिश्री लेकर रखी थी, उन्होंने मटकी को मारी। मारते ही मटकी तो फूट गई और रोहिणी श्री कृतिका सुंदरी पूरा के पूरा दूध दही से स्नान कर ली। एक दधी का दी होता है, दधी का दी मतलब दही में हल्दी और उसमें घी मिलाकर के एक दूसरों के ऊपर लगाते हैं, हैं? ये मंगलवाची। इतने दूध दही लाए थे वहां तो पूरा कीच कीच हो गया और फिसल फिसल करके एक दूसरों के ऊपर गिर रहे थे और गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय, नंद के आनंद भयो जय, आनंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की, हरि गोरा पाल जय जय कन्हैया लाल की, हरि गोरा पाल आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की, हरि गोरा पाल आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की, हरि गोरा पाल जय जय कन्हैया लाल की, हरि गोरा पाल की। सब तो नाच रहे थे, नंद बाबा मटक मटक करके देख रहे थे। गोप ने कहा तेरे घर में आज लाला भयो है, देख सारा ब्रजवासी सब नाच रहे और तू बैठ करके बैठ, अरे आज का दिन तो नाच लो। उन्होंने जोर जबरदस्ती खींच करके ले आए। बोले कहाँ? बोले श्री नंद भवन का जो आंगन, नंद बाबा राजा है ना, इतना बड़ा आंगन था, इतने दूध दही ब्रजवासी लाए थे, वो आंगन भर गया था और ऐसे लग रहा था जैसे एक एक खीर का समुद्र। नंद बाबा देखने में कैसे लंबे चौड़े गौरव वर्ण थे, उनको बीच में जब खड़े कर दिया ना, ऐसे लग रहा था जैसे मंदाराचल पर्वत। अभी नंद बाबा अपना कमरे में फेटे बांधे रखते, बोले एक तरफ में ब्रजवासी कहते नंदगांव के ब्रजवासी, दूसरे तरफ में बरसाना के ब्रजवासी, दोनों तरफ में पकड़े हुए। देखो हमारे गोस्वामियों ने बड़ा सुंदर वर्णना किया। कल हम सुन रहे थे देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन किया। देवता कौन है? ये रजगुणी। दैत्य कौन? बोले ये तमगुणी। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? बोले 20, जिसको शंकर जी पान करके जिनका नाम नीलकंठ नाम हुआ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की। लेकिन यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर समुद्र मंथन करने वाले कौन? बोले एक तरफ में नंदगांव के लोग, दूसरे तरफ बरसाना, दोनों ही निर्गुण हैं। यहाँ पर सबसे पहले कौन निकला? बोले नंदस्तु आत्म जाता लाद महामना। यहाँ पर तो सबसे पहले श्री कौन निकले? फिर नंद के लाला स्वयं आनंद कंद कृष्ण सबसे पहले निकले। और यहाँ पर नंद बाबा कितने दान दिया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रमा क्रीड़न अभूत नृप। हे राजा, नंद बाबा इतने धन दौलत लुटा रहे थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात, ब्राह्मण लोगों तो गठली बांध बांध कर ले नहीं पा रहे थे, उनकी गठली के कोने से गिरते 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 जा रहा था। ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी गली गलियों में आनंद में नाच रही हैं, इतने प्रसन्न। और वहाँ पर सारे देवता लोग भी प्रभु का दर्शन करने आए थे नंद महोत्सव में। वहाँ पर भोले बाबा भी आए थे। अब भोले बाबा का वाहन कौन है? बोला भोले बाबा का वाहन कौन है? नंदी। नंद बाबा ने कितना गैया दान दिया? 20 लाख गैया। शंकर तो चक्कर में पड़ गए। बोले क्यों? बोले ये 20 लाख गैया दे रहे हैं, ऐसे नहीं गैया को देते देते मेरे जो बैल, जो नंदी भी अभी बैल हैं, हो ना हो अगर मैं बैल को अगर दान में दे देंगे फिर मैं बैठ करके किस में जाऊंगा। इसलिए शंकर जिसको पूछ को पकड़ लिए खड़े हो गए। बोले मेरे नंदी दान में नहीं चले जाए।
अभी मैया पार्वती भी आई थी, उनको भी दो लाला है। कौन कौन है? जोर से बोला, गणेश और कार्तिक, उनको दो लाला। बोले हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। उनने इतने हाथी घोड़ों को दान दिया, मैया पार्वती तो चक्कर में पड़ गई। बोले क्यों? बोले मेरे लाला भी गजानन है, गणेश जी है, उनका सर भी गणेश जैसे, ऐसे नहीं हाथी को दान देते थे, मेरे लाला को तो दान में नहीं दे देंगे। उसने उन्होंने अपना लाला को तो गोद में लेकर चुपका करके खड़ी हुई थी। वहां पर धन कुबेर भी आए थे, हैं, जो सारे रुपया पैसा का जो मालिक है। लेकिन आज उन्होंने इतने दान दिए, कुबेर भी चक्कर में पड़ गए, वो भी लज्जित हो गए। बोले आज नंद बाबा इतने दान दे रहे हैं, मेरे पास में भी इतना धन दौलत है नहीं। इसलिए सारे ब्रजवासी बड़े आनंद से नाच रहे थे, गा रहे थे और कीर्तन कर रहे थे। अभी हमारे डोरीलाल प्रभु जी बधाई गाएंगे, हैं, एक दो बधाई गाएंगे। कैसे सारे ब्रजवासी नाच रहे थे, गा रहे थे। बोले श्री नंद के लाला की, शुरू कर दो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ देखो, आज भगवान ठाकुर जी जन्म लेंगे ना, भगवान के दरबार में जो एक बार नाचेगा ना, उसको 84 लाख जन्म में नाचने का कोई जरूरत नहीं। फिर ठाकुर जी अपना गोलोक वृंदावन में फिर उनका अपना सखी बना देंगे, जो भगवान के सामने जो नृत्य करेगा। इसलिए भगवान के दरबार में नाचने का बड़ा महत्व है। इसलिए जो नाच सके आज भगवान की जन्म उत्सव में, सबके सब नृत्य करना। पहले ये कविता, आज पर तीसी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यार बने बलदेव जी, रस खीर सिरो रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जाय यशोदा जले विसिरा रबुरी सिरा तुम्हें, और ये लड़ा सोरा और आप कैसी ये यशोदा मैया ने लाल लाला बुलाया। जायो यशोदा जले भी सिरानी ने रबुरी सिरा जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, I'm gonna
बाबा जी बैठे ना सामने, ये ब्रज पे आए हैं और
शंकर जी के बारे में आपको पता ही है, जब वो कैलाश छोड़ के ब्रज में आए हैं, कन्हैया के कैसे बाबरे है गए। महाराज जी प्रसंग बीच में बोला था, क्योंकि समय संक्षेप है, तो बाबा जी कैसे बाबरे है गए, तो मेरे मुंह में कहा पानी आ गो, जो ब्रजवासी है भैया वो खाए गए को ध्यान रखे चला। तो मेरे महाराज जी के मुंह में भी पानी आ गया, खीर जलेबी पूरी लग गई आप देखते हैं। खीर जलेबी पूरी लड्डू पुआ, चलो मथुरा में चलो, अभी तो ब्रज में आ गए थे। जब श्री वसुदेव महाराज
कृष्ण को गोकुल में रख करके वहां से बेटी लेकर के आए और अंदर में प्रवेश करते ही अपनी आप हथकड़ी बड़ी पड़ गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पहरादार अपने आप जग गए। और जो लाली थी जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दी। जितने दूत थे जा करके कंस को खबर दिया, तेरे शत्रु ने जन्म ले लिया। कंस भागते भागते आया, देखा वहां पर लाला नहीं, वहां पर लाली जन्म हुआ। देवकी ने बड़ी कोशिश की, बोले भैया अगर लाला जन्म होता तो तेरे को मारता ही, तो लाली है। बोले लाली लाला कुछ भी क्यों नहीं हो, आकाशवाणी हुई थी देवकी की, अष्टम गर्भ का संतान मेरे काल बनेगा। अभी तक तो वो जोग माया थी, लेकिन जब कंस स्पर्श करते ही हो गई ये महामाया। जब उसने पछाड़ने के लिए गया, उसने कंस को मारे एक ठोकर प्यार में, बिजली जैसे लगे इसे हठात धड़ांग करके गिर पड़ा आकाश में उड़ करके। अष्टभुजा धारण करते हुए बोली, बोले रे मूढ़ कंस, तुम मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका। ये भी सही बताए, क्योंकि कृष्ण गोकुल में जन्म हुए। कंस ने देखा ये तो मेरी जोग माया, ये तो मेरी कंकाली देवी, ये तो कभी झूठ बोलेगी नहीं। फिर ये जो आकाशवाणी हुई थी ये क्या मेरे साथ में बेईमानी की। फिर उन्होंने देवकी से माफी मांगे, बोले बहन बिना कारण के कारण मैं तेरे छह छह बच्चों को मार डाला, मेरे को क्या पता था ये देवता लोग भी धोखेबाजी सबके सब। लेकिन देवकी को पता मेरे लाला तो गोकुल में है। कंस ने जितने अघासुर बकासुर त्रिणाव्रत पुतना सबको बुलाए, बोले बताओ अभी मुझे क्या करनी चाहिए। वहां पर पुतना खड़ी हो गई, पुतना मतलब पूतना, पूत मतलब होता है पुत्र, ना मतलब नहीं, जिसका पुत्र नहीं है। बोले मेरा नाम ही पुतना है, मेरे तो पुत्र है ही नहीं, इसलिए फिर ये पूत का क्या काम है। बोले भैया अगर तेरे शत्रु कहीं जन्म लिया होगा एक महीना को अंदर महीना, बोले हाँ, बोले मेरे को आदेश दे, मैं सारे बच्चों को मैं मार डालूंगी। अभी पुतना सब जगह पर जा करके बच्चों को ये मार रही थी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले कंसना प्रहिता घोरा पुतना बालघातिनी। अभी पुतना गांव गांव में जा करके बच्चों को ये मार रही है। जब मार रही थी अभी वो आ गई गोकुल में, आ गई। जब गोकुल में आई तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कहती ये पुतना गोकुल में कैसे आई। बोले क्यों, बोले जहाँ पर भगवान का कीर्तन भगवान का नाम भजन नहीं हो वहीं पर ये पुतना जाती नहीं। पुतना मतलब एक अर्थ है, पूत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र। कहते अपवित्र कहाँ प्रवेश करती है, बोले जिसकी घर में कीर्तन पूजा पाठ नहीं हो। यहाँ तो साक्षात कृष्ण जन्म हुए हैं पर यहाँ पर कैसे प्रवेश की। इसलिए हमारे इसी विषय पर हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो बड़े सुंदर सुंदर टीका दिए और जो बड़ी सुंदर कथा है, हमारे बीच में एक बच्चा है श्री चिराग प्रभु जी, कैसे कृष्ण पुतना को मारे अभी उन्होंने ये पुतना बद्ध के बारे में उन्होंने बताएंगे। ठीक है, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनाघ्रातं भृंगै रनपहत सौगंधमलिनै रनुत्पन्नं नीरे क्वचन चचिदानंद सरसु यशोदाया क्रोडे कुबलयामि बहुझास्तद भवे। हरे कृष्णा। भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीन बंधु पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रत्यनीक अखिल गुणगण निलय भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा से
मानव जीवन का उत्कृष्टोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को श्री महाराज जी के चरणों में बैठ करके सुनने का श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले अपने परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव श्रीपाद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्रीपाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणिपात करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव विद्युत वरिण्यजन आप सभी को मैं बार 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 वंदन करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि मैं पूतना लीला पर कुछ कहने का प्रयास करूं। जैसे भगवान के वैसे अनंत अनंत चरित्र हैं। भगवान के चरित्रों के लिए भगवान का गुण लिखने में सरस्वती भी समर्थ नहीं है, इसीलिए लिखा है असित गिरी समम स्यात् कच्छलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिखति यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां ईश पारं न याति। पद्म पुराण के चौथे अध्याय का नवा श्लोक है। इसका अर्थ है यदि पूरी की पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, अगर पूरे के पूरे इस विश्व में जितना समुद्र है उस सबको शाही बना दिया जाए, कल्प वृक्ष को लेखनी बना दिया जाए, पेन बना दिया जाए, और साक्षात भगवती परा वीणा धारिणी सरस्वती आकर के श्री भगवान का गुण लिखने बैठे तो भी हरि गुण लिखियो न जाए तो भी भगवान का गुण लिखने में वो असमर्थ हैं। अभी गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि मैं पूतना प्रसंग पे कहूं, तो पूतना आ रही है, नंद महल में पूतना प्रवेश कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं ताम केश बंद रतिसत मल्लिका विवर्चनी नाम मदकच्छ मध्यमाम सुभाषितम भूषण करण योषित त्यसुल रसत कुंडल वंदितानाम वल्गु स्मृता पांग विसर्ज विक्षितई मनोहरंतिम बनका ब्रजौ कसाम। सुखदेव जी कहते हैं जब ये पूतना आई तो इस ये अद्भुत अद्भुत श्रृंगार करके आई, ऐसा प्रतीत होता था जो इसके मस्तक पर बिंदी है वो ऐसा प्रतीत होता था कि आकाश में जो दिव्य चंद्रमा है उसको उसने बलात वहां से निकाल करके और अपनी बिंदी के रूप में सुशोभित कर लिया हो। दो बादलों के टकराने से जिस बिजली का प्रादुर्भाव होता है उसने उसको बलात वहां से निकाल करके और अपने केशों पर सुशोभित कर लिया हो। आकाश की जितनी बादलों की कालिमा है उसको बलात वहां से खींच करके और अपने नैनों में काजल के रूप में सुशोभित कर लिया हो। अन्य अन्य प्रकार के पुष्पों को चयन करके इसने बलात वहां से सभी पुष्पों को अपने जूड़े के रूप जूड़े के अंदर आबद्ध कर लिया हो। सिंगनी की मदमस्त चाल को इसने बलात वहां से निकाल करके और अपने कमर में सुशोभित कर लिया हो। कटी किंकणी तुरन करती हुई हाव भावों को प्रकट करती हुई मंद मंद मुस्कुराती हुई पूतना ब्रज में पधारी। जब पूतना नंद महल में पहुंची है तो सारे के सारे गोपियां हैं उन्होंने उसको रास्ता दे दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात लक्ष्मी अपने भुवन सुंदर श्री भगवान का दर्शन करने के लिए वहां पे पधारी है, इस कारण से इसको रास्ता दे दिया। ये जैसे ही श्री गोविंद के समीप गई तो भगवान ने जैसे इसने भगवान को देखा और भगवान ने इसको देखा तो इसको देख करके श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब श्री कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद करी इस पर बहुत सारी चर्चाएं हैं। सबसे पहले तो यह कि ये पूतना जो है यह अविद्या का प्रतीक है और भगवान विद्योत्पुंज है, भगवान विद्योत्पुंज है और ये अविद्या का प्रतीक है। भगवान मन में सोच रहे हैं कि इसने किसी गुरु के द्वारा मेरे दिव्य मंत्र को ग्रहण नहीं किया और इसके अंदर मेरे भजन की पात्रता नहीं है, इस कारण से भगवान ने उसको देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरी बात, मान लो भगवान अपने आंख बंद करके शिव जी को याद कर रहे हैं कि प्रभु ये अपने स्तनों पर गरल लगा करके आई है, जहर लगा करके आई है, तो आप जो है वो जहर पीने का आपका पुराना अभ्यास है। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धनवंतरिश चंद्रमा धेनु काम दुगा सुरेश्वर गजो रंभाच देवांगना
अश्वो सप्तमुखो विषम हरिधनो शंखम मृतम चाम्बुदे रत्ना नीति चतुर्दशम प्रतिदिनम कुरुवंतु नो मंगलम। ये जब 14 रत्न निकले तो उसमें से पहला निकला विश्व, जिसको भगवान शंकर ने पान कर लिया था, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। तो आपको पुराना अभ्यास है प्रभु, इस कारण से जो दूध निकलेगा, दूध दूध तो मैं भी लूंगा और विश्व विश आप भी लेना। भगवान मुस्कुरा करके सोचने लगे, देख शंकर भगवान मुस्कुराए और सोचने लगे प्रभु अभी से ही आप ऐसे चालाक हो गए। तो इस कारण से जो भगवान शिव को याद कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, इस कारण से श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और अनेक कारण है, ये पूर्व जन्म में अभी महाराज जी ने बता दिया था, बलि की पुत्री रत्नमाला थी, और जो कि जब श्री वामन भगवान आए हैं, स्वस्ति स्वागत मर्ते हम किम देहिता मेदनिम कामात्रा मम विक्रमत्रयमिदम। जब वामन आए हैं तो आकर के इतने सुंदर श्री वामन जी थे कि देख करके रत्नमाला जो है वो उनको देख करके मन ही मन उनको पुत्र मान बैठी, और ऐसा मन ही मन सोचा कि यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसको अपना दूध पिलाती, अपने दूध का पान कराती इसे। इस कारण से भगवान तो वांछा कल्पतरु हैं, इस कारण से भगवान ने कहा कोई बात नहीं पिला लियो एवं अस्तु। फिर उसके बाद जब भगवान त्रिविक्रम हो गए, भगवान ने सब कुछ नाप दिया, बलि को छल दिया, त्रिविक्रम भगवान हो गए, उसके बाद इसको गुस्सा आया, इसने कहा अगर ऐसा मेरा बालक होता तो मैं इसको विष दे देती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं ये भी कर लियो। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि हाँ ये पूर्व जन्म की रत्नमाला है और ये आ गई है। ये सब कारण है, अन्य अन्य और भी कारण है। तो क्या हुआ, इसने भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, इसने क्या किया, इसने लाला को गोदी में उठाया, यशोदा जी से पूछा कि मैं क्या लाला को गोदी में ले लूं, तो यशोदा जी ने स्वयं दिया है। तो फिर इसने गोदी में लेकर के भगवान को स्तनपान कराना चाहा अपना, तो जब स्तनपान करे तो पूतना ने अपनी निज कंचुकी को ऊपर किया और निज स्तन भगवान श्याम सुंदर के मुखाम भोज में प्रस्तुत किया। चुसुर चुसुर करके श्री भगवान दूध पी रहे हैं, चुसुर चुसुर करके भगवान श्री भगवान इसकी समस्त पापराशियों को पी गए, इसके क्लेशों को पी गए, इसके कलुष को पी गए, कलमश को पी गए, अन्य प्रकार के इसके पूर्व कृत्यों को पी गए, और जब इसको इसके प्राण प्रभु पीने लगे तो ये जोर से चिल्लाई सामुंच मुंचा विभर प्रभाषिणी, अरे मुझको छोड़ दे, मुझको छोड़ दे, मुझको छोड़, मुझको छोड़। भगवान ने कहा माता मुझे पकड़ने का अभ्यास है, छोड़ने का नहीं। यदि मैं तो पहले किसी को पकड़ता भी नहीं, लेकिन जब मैं पकड़ लेता हूँ किसी को तो फिर मैं उसको कभी छोड़ता नहीं। इस कारण से पूतना जो है भगवान ने उसके प्राणों का हनन किया। ये बहुत बड़ी विशाल थी, धड़ाम से गिरी। जब ये गिरी तो सारे के सारे ब्रजवासी भागे आए। पूतना के ऊपर श्री भगवान इस तरीके से सुशोभित हो रहे हैं, देखिए किसी के गले में विद्युत राग मणि का हार है, किसी के गले में स्फटिक मणि का हार है, किसी के गले में कौस्तुभ मणि का हार है, लेकिन धन्य है पूतना, साक्षात नीलमणि बनकर के श्री कृष्ण इसके कंठ में विराजमान है, इसके कंठ में श्री कृष्ण विराजमान है। तो क्या किया ब्रजवासियों ने, इतनी भारी भरकम, इतनी बड़ी पूतना थी, इसके हाथ के सहारे सीढ़ियां वगैरह लगा करके पूतना के ऊपर चढ़े गोप लोग, और जब गोप लोग सीढ़ियों के ऊपर चढ़े तो श्री भगवान को उन्होंने गोदी में उठाया, उठा करके नीचे लेके आए। जब नीचे लेके आए श्री भगवान को तो गौशाला में पहुंचे हैं। गौशाला में जब सब लोग, सारी गोपियां जो हैं वो सब डर गई कि इतनी भयानक राक्षसी है ये, इतनी भयानक राक्षसी ने भगवान श्री लाला को स्पर्श किया है, तो कहीं इस पे कोई ऐसे ऐसे टोटके ना हो गए हो, कहीं कोई अलाबला ना हो गई हो। इस कारण से श्री भगवान को झाड़ा दिया, और जो झाड़ा दिया गाय की पूंछ से श्री भगवान को झाड़ा दिया, गोमूत्र से और गोबर से श्री भगवान को लेप भी किया, उसके बाद जो वो गाय की पूंछ है उससे झाड़ा दिया। अव्या अजम हिमणिमास तनजन स्तव जन्म थोरु यज्ञोचितं कटिजटं जठरं हयस्य यत्केशवस्तु दुरीश इनस्तु कंठं विष्णोर्मुखं मर्मुरुक्रम ईश्वरक्रम चक्रगद सहगदो हरिरस्तु पश्यात् त्वत्पार्श्वयो धनुरति मधुहाजनश्च कौणेषु शंख उर्गाय उपरि उपेन्द्र। इन सब मंत्रों से दिया, ये सब मंत्र जो हैं ये श्री भगवान के नाम हैं। मुकुंद भगवान मेरे लाला के उदर की रक्षा करें,
नारायण भगवान मेरे लाला की छाती की रक्षा करें। हलधर क्रम ईश्वर क्रम हलधर भगवान मेरे लाला के जंघाओं की रक्षा करें। श्री भगवान मेरे लाला के बाहू की रक्षा करें। भगवान के नाम की कैसी महिमा है कि भगवान को ही भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा दिया जा रहा है। इसीलिए जो भगवान की पीड़ा, वैसे यद्यपि पीड़ा नहीं है लेकिन भाव साम्राज्य में यदि भगवान की पीड़ा को भी कोई हर सकता है तो वो भगवती गौ माता है और भगवान श्री राम, भगवान श्री श्री भगवान का दिव्य नाम है। उसके बाद जब उसको ये झाड़ा दिया तो ये पूतना वहां पे गिरी। पूतना को भगवान ने कंस के बगीचे में गिराया। बगीचे में गिराने के बाद इसके शरीर के टुकड़े किए गए और टुकड़े करके जलाया गया। सुखदेव जी कहते हैं कि जब इसके शरीर को जलाया गया तो पूरे ब्रज में इतनी सुंदर मंगल सुगंध प्रस्तुत हुई। चक्रवर्ती पाठ टीका लिख रहे हैं कि इसके शरीर से सुगंध क्यों निकली। भगवान जिसकी देह को भगवान ने अनुग्रह करके स्पर्श कर लिया हो उसकी देह से सत्य ही सुगंध का आविर्भाव बिल्कुल सत्य है। इस कारण से इसकी देह से सुगंध दिव्य द्रव्यों की सुगंध निकली है। उसके बाद भगवान ने क्या किया, भगवान ने इस पर कृपा करी, इसको धाई की गति अपने गोलोक में दी। भगवान ने धाई की गति दी पूतना को खेल विष दिन आई पाई मुक्ति बिनु हेल। खुले धाम के किवार खुले धाम के किवार अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या कुपार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। एक बार क्या हुआ, श्री भगवान जो है वो चौखट होती है ना, चौखट हमारी, तो भगवान चौखट को लांगने का प्रयास कर रहे थे। छोटे से श्री कृष्ण थे तो चौखट को भगवान लांग नहीं पा रहे थे। आधा भगवान का शरीर चौखट के इस तरफ था, आधा शरीर इस तरफ था, तो श्री भगवान ऐसे ऐसे झूल रहे चौखट पे, ऐसे ऐसे। तो भगवान को ऐसे झूलते हुए श्री नारद जी ने देख लिया। नारद जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्यों, तीन पैर भूमि जाने, तीन पैर भूमि जाने बलि लियो छल और चौखट न लांग पाए रहो जो मचल। जाने खंभ दियो भार, जाने खंभ दियो भार अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या कुपार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। नारद जी देख रहे हैं कि ये चौखट को लांग भी नहीं सक रहे, क्यों, अरे ये तो वही है जिन्होंने स्तंभाभ्यंतर गर्भ भाग निगमत व्याख्यात तद्वैदही यह पंचानन पंचजन्य वपुषा व्याधस्य विश्वात्मका, जिन्होंने स्तंभ को अभिभ्यंतर करके नृसिंह रूप को धारण किया था और इनकी लीला देखो अभी ये उस चौखट को भी नहीं लांग पा रहे। ऐसी दिव्य सुंदर सुंदर भगवान श्री लीला करते हैं। बस इतना ही छोटा सा, सभी को प्रणाम करते हुए, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम, जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। हमारे गुरु जी के सब शिष्य लोग हैं, ये आपको सबको थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएंगे। देखो कृष्णा, जैसे भगवान राम, अब बताओ तो भगवान राम सबसे पहले किसको मारे थे, बोलो, कौन बोलेगा, भगवान राम सबसे पहले किसको मारे थे, अरे बोलो जोर से, तारका को भगवान ने बंद किया, भगवान राम बोले। भगवान कृष्ण सबसे पहले किसको मारे, बोले पुतना को। देखो दोनों प्रभु करके एक ही लीला किया है, बोले ये पुतना मतलब क्या, बोले पुत मतलब होता है पवित्र, नाम मतलब नहीं, बोले जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है। और तारका मतलब क्या, बोले तारा यतीति तारका, जीव को जो भगाता है, बोले जीव को कौन भगाता है, काम क्रोध लोभ, यही स
संसार में जीव को भगाता है। इसलिए दोनों प्रभु ने एक ही शिक्षा दिया, अगर कोई अपना दिल में ठाकुर जी को बैठाना चाहते हो पहले क्या करो, ये पुतना और तारका को सबसे पहले मार है, तारका ये भी तीन अक्षर है, पुतना ये भी तीन अक्षर है, तारका भी स्त्री और पुतना भी स्त्री है। कभी कभी दोनों प्रभु एक ही बात शिक्षा देते हैं, हृदय की कामना वासना को दूर कर, फिर हमारे हृदय में ठाकुर जी आकर बैठ जाएंगे। बोले श्री कृष्ण के नैया, बोलो कृष्ण के नैया लाल की जय, बोल दो। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय श्रीकृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सतीश गौर भक्तवृंद। सही बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वतम अपने मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण अरविंद विनंत कोटि साष्टांग प्रणाम, तत्पश्चात संपूर्ण रूपानुग परंपरा के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय श्रीपद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, उपस्थित श्रीपद डोरीलाल प्रभु जी, अन्य समस्त वैष्णव वृंद, सबको मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। भूतनावत के विषय में बड़े अभूतपूर्व सुंदर विचारों की प्रस्तुति की हमारे चिराग प्रभु जी ने, बड़े कुशल वक्ता हैं और प्रत्येक लीला को जीवंत कराने का सामर्थ्य रखते हैं। कुछ विचार चक्रवर्ती बात के इन्होंने बताए कि भूतना का आगमन श्री ब्रज में हुआ ही क्यों। सुखदेव गोस्वामी ने इस विषय में कहा कि रक्षु गगानी सुकर्मसु यत्र नाम संकीर्तन है, जिस स्थान पर श्री भगवान का नाम संकीर्तन होता है वहां पर असुर प्रवेश नहीं कर सकता, वहां पर कोई विघ्न कोई बाधा प्रवेश नहीं कर सकती है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि जहां पर स्वयं श्री भगवान बैठे हैं, अनादरादर गोविंद सर्व कारण कारण स्वयं बैठे हैं, वहां पर पूतना कैसे प्रवेश कराई, किसकी आज्ञा थी, किसकी इच्छा थी। तुम्हारे भक्तों ठाकुर ने उसको सूत्र में एक बात में कह दिया कि जीवेरे कारण आसिया प्रपंच लीला कहले सो विस्तार, श्री भगवान की लीला है, श्री भगवान की इच्छा के बिना पूतना वहां पर प्रवेश कभी नहीं कर सकती थी, नाम संकीर्तन होते हुए बाधा नहीं प्रवेश कर सकती। और भजन की बाधा की सबसे पहली सीढ़ी, जैसे महाराज जी ने भी कहा, हमारे आचार्यों ने, भागवत का एक स्वरूप लीलामय स्वरूप है, लेकिन उस लीलामय स्वरूप के पीछे जो भागवत का विश्लेषक स्वरूप है वह भी जानना अति आवश्यक है। जैसे आप देख तो रहे हैं घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन उस घर की नींव कितनी गहरी है ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है। यह पूतना किसका प्रतीक है, कहीं कुछ आचार्यों ने कहा यह पूतना प्रतीक प्रतीक है कपटता का। हमारे श्री भक्तों ठाकुर ने कहा कि पूतना कपटता के साथ साथ एक ऐसे गुरु का प्रतीक है जो ऊपर से कैसा है, अत्यंत सुंदर है, उसके निकट अनेकों अनेकों लोग बैठते, उसके निकट जाकर के संसार की सभी इच्छाएं पूरी उनकी हो जाती हैं, लेकिन ऐसे गुरु से क्या होगा, लाभ नहीं होगा। बाह्य रूप से केवल और केवल वस्त्र इत्यादि धारण कर लेना और केवल संसार की शिक्षा देना, बोले ये एक प्रकार का कपट रूपी जो वेश धारण किया पूतना ने, यह जो उसका प्रतीक है, और बिना कपटता के भक्ति में प्रवेश नहीं हो जा सकता। सर्वप्रथम श्री भगवान ने कपटता का ही जो वध किया है, नेत्र क्यों बंद किए, 108 कारण दिया आचार्यों ने, कुछ कारणों को स्पर्श किया और कुछ कारण ऐसे हैं चक्रवर्ती पाद के इतने मधुर, उन्होंने विचार दिए कि श्री ठाकुर नेत्र क्यों बंद किए, विशेष क्या कारण था। उन्होंने कहा देखो, श्री भगवान कहते देखो भाई हम हिंसा करते नहीं, बोले आप हिंसा करते नहीं, हमने तो देखा आपने बहुत असुरों को मारा है, लीला में आप अनेकानेक असुरों को मारते हैं, तो हम साक्षात देख भी रहे हैं कि आपने पूतना का वध किया, बोले नहीं नहीं हमने वध नहीं किया, हम केवल दुग्ध पान कर रहे थे, अब दुग्ध पीते पीते वो स्वयं मर जाए तो हमारा कोई दोष नहीं है। अच्छा तो आपने फिर अघासुर को मारा, बोले नहीं 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 हमने अघासुर को भी नहीं मारा, हम उसके मुख के भीतर प्रवेश किए वो अपने आप मर जाए तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो श्री भगवान की लीला जो है वो अत्यंत ही विचित्र है, उसको समझना अत्यंत जो है वो, जब तक वैष्णवों के निकट बैठ करके
शुद्ध टीकाकारों की टीकाओं का आश्रय नहीं लेंगे, हम श्रीमद् भागवतम के मर्म को स्पर्श नहीं कर सकते। यह लीला शब्द का अर्थ क्या है? बोला संवर्धन संपोषण इति लीला, माने जहां पर असाधारण से असाधारण व्यक्तित्व भी बड़ा साधारण हो जाए वह लीला है। श्री कृष्ण लीला क्या है कि भगवान निमंत्रण दे रहे हैं, बहुर और रसिका भूमि भाव कहा, ये सुखदेव गोस्वामी का निमंत्रण है, आप सब लोग आइए। कहाँ आइए? भागवत में आइए। भागवत क्या है? भागवत श्री व्यास द्वारा रचित अन्य कोई ग्रंथ नहीं है, सारे के सारे सारम सारम समुद्रतम इस विषय में कहा गया कि सब कुछ लिखने के पश्चात इस भागवत का निमंत्रण मैं क्यों स्वीकार करूं? यहाँ बहुत से लोग होंगे जो इसलिए आए हैं कि हमें कि हमारे रिश्तेदार ने हमें कहा है भागवत सुनने आइए, उन्होंने दिया निमंत्रण, लेकिन वास्तविक रूप में भागवत का निमंत्रण कौन दे रहे हैं? व्यास जी दे रहे हैं। वास्तविक रूप में श्रीमद् भागवत का निमंत्रण कौन दे रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी पाद दे रहे हैं। और किन दो लोगों को दे रहे हैं? मोह रहो रसिका भूमि भाव का। देखो अब तक जितने भी संसार में जितने भी प्रकार के धर्म इत्यादि किए हैं उन सब धर्मों के पीछे क्या है? स्वसुख की लालसा है। मैं स्नान कर लूं जाकर के गंगा जी में स्वसुख मिल जाए, मैं यज्ञ कर लूं क्या हो जाए? स्वसुख मिल जाए, मेरे घर में पुत्र हो जाए पौत्र हो जाए धन धनाट्य हो जाए, तो मूल शिक्षा क्या है सबके पीछे? कि मैं समृद्ध हो जाऊं। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या कह रही है? तत्सुखी सुखित्वम का भाव दे रही है कि अब तक तुमने केवल अपने सुख की वांछा के लिए ही केवल श्री भगवान का भजन किया है। श्रीमद् भागवतम कह रही है कि अब श्री भगवान की सुख की वांछा के लिए, अब श्री भगवान से प्रेम करने के लिए आप यहाँ पर आइए। तो इस प्रकार का ऐसा अभूतपूर्व निमंत्रण दिया है। पूतना लीला के अंत में श्री भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने बड़ी सुंदर बात कही है। बोला इस पूतना को मारा तो सही, लेकिन तद अद्भुत आभरकम गोविंद लभते रहते हुए। हर एक अध्याय का, हर एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक जो है, हर एक अध्याय के पीछे एक फल श्रुति है। हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य के पीछे फल जानना बहुत आवश्यक है। मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे क्या मिल सकता है? और विशेष करके शिला महाराज जी के अनुगत्य में, विशेष करके इस गौड़ीय वैष्णव शुद्ध धारा के अनुगत्य में आना, पुंज पुंज कोटि जन्मों की सुकृति उपलब्ध हो जाए तो भी श्रीमद् भागवतम ऐसे संप्रदाय में सुनना असंभव। और उस पर भी महाराज जी जो कि श्रीमद् भागवतम को अपने हृदय में धारण करके विश्व ब्रह्मांड में जाते हैं, ये आप में से किसी का पुरुषार्थ नहीं है कि आप श्रीमद् भागवतम करा सकें। और इसको कहने में मुझे कोई संकोच होता नहीं, श्रीमद् भागवतम स्वयं चुनाव करती है। जब साधु स्वयं चुनाव करता है वहां पर श्रीमद् भागवतम स्वयं प्रकट होती है। तो उसी प्रकार से केवल ग्रंथ होना और उस ग्रंथ की द्वारा हमारे हृदय की ग्रंथियों को खोलना, ये बात दूसरी है। तो सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा ये पूतना अध्याय सुनने से होता क्या है? यह हमने सुना, इसका मूल फल क्या है? इसका मूल फल है कि हमारी श्री ठाकुर में रति उत्पन्न हो जाए, उनके प्रति हमारी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। धीरे 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 करके जब हम उनके विषय में सुने तो हमारा उनके प्रति एक आकर्षण हो जाए। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? मद चित्त हत्वा भव बंधन मोचय इति हरे, हे हरे। ये किसको कह रहे हैं? ये हम श्री गोविंद को कह रहे हैं। महामंत्र क्या है? महामंत्र केवल शब्द नहीं है। हरे शब्द कहने से क्या है? आप किसी को संबोधित कर रहे हैं, आप किसी को बुला रहे हैं। यहाँ पर बैठ करके हम क्या कर रहे हैं? श्री भगवान को स्वयं बुला रहे हैं। हमारा बुलाने का सामर्थ्य नहीं। वैष्णव जन यहाँ पर बैठ करके भगवान को बुला रहे हैं और वैष्णव के संकल्प में हमें केवल अपना संकल्प मिलाना है। वो जब भगवान को बुला रहे हैं तो उनके चरणों में बैठ करके हम ये कह रहे हैं कि जब आप भगवान को बुला रहे हैं तो हमारी भी प्रार्थना बीच में लगा दिएगा। रसखान जी रहते गोकुल के अंदर, बहुत बड़े जो है रसिक भक्त हैं, उन्होंने ना जाने कितने कितने प्रकार के पद लिखे हैं। बैठत पिलोकत श्री राधिका पायन, अनेक अनेक पद लिखे हैं। उन्होंने एक पद में एक बात कही कि हे मेघो तुम जा तो रहे हो श्री कृष्ण के आंगन में बरसने के लिए, मेरा तो शरीर पवित्र नहीं, मेरा मन पवित्र नहीं, मेरी इंद्रियां जो है वह स्वच्छ नहीं है, मैं श्री कृष्ण के पास जाने का अधिकार रखता नहीं हूं, लेकिन तुम जा रहे हो, हे मेघो तुम जा रहे हो, तो अपने जो तुम्हारा जल है ना, उस जल के आयतन में मेरी दो अश्रु, ये जो अश्रु बिंदु है ये भी मिला लेना, मैं सीधा नहीं जा सकता उस तक, इसीलिए मेरे इन दो अश्रु बिंदु को भी मिला करके श्री कृष्ण को समर्पित कर देना और ये कह देना कि रसखान की एक तुच्छ भेंट है। तो हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम जाकर के श्री भगवान का आश्रय ले सकें। वो तो वैष्णव जन जब आ जाते हैं हमारे निकट, उनके निकट बैठ करके ही हम श्री भगवान की कुछ ना कुछ अनुभूति कर सकते हैं। तो रति जो है प्रदान हो, और मद चित्त हत्वा भव बंधन मोचया,
कि हे हरे आप मेरे इस चित्त को हरण कीजिए, मैं आपको अपना मन नहीं दे सकता। इसलिए हमारे बिल्वमंगल ठाकुर ने क्या कह दिया, चोर अग्रण्य पुरुषम नमामि। उन्होंने कह दिया कि ब्रजे प्रसिद्ध ही नवनीत चौरम गोपांगनाद कुल चौरम अनेक जन्मादित पाप चौरम चोर अग्रण्य पुरुषम नमामि। अरे श्री ठाकुर को अग्रणी चोर कहा है कि आप सबसे बड़े चोर हैं। आपने क्या किया, ब्रज में जाकर के दुकूल चोर किया है, आपने ब्रज में जाकर के माखन इत्यादि चुराया है। लेकिन इन सारी बातों में जो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है वो क्या है कि अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, हमने कोटि कोटि जन्मों में कोटि कोटि पाप किया है। अगर हम उसका फल भोगने को आ गए तो हमारे कोटि जन्म और चले जाएंगे, क्योंकि फल भोगते समय हम और भी पाप अर्जित कर रहे हैं, तो कैसे निकलेंगे इससे। तो बोले हे गोविंद, आपको सारे विश्व ब्रह्मांड के लोग क्या कहते हैं कि आप चोर हैं। तो अगर आपको वास्तविक रूप में अपनी चोरी का प्रदर्शन करना है ना, तो ये जो मेरे आप पाप देख रहे हैं अघ के समान, ये मेरे पाप देख रहे हैं हिमालय कोटि के समान, इसको आप भर लीजिए। मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसको भोग सकूं। और शिराधिका या हिरस्य चौरम, अभी अभी हमारे बड़ी सुंदर बात कही कि प्रेम नदिया की उल्टी बह धार। देखो ब्रज में सब बातें कैसी है, हमारे श्री प्रबोधन सरस्वती पाद इस विषय में कहते वृंदावन महिमामृत में कि वृंदावनम न उत्तम नास्ति नास्ति मम अधम कवाचित्। हे भगवान, आप तो अत्यंत अत्यंत पवित्र हैं और मैं इतना निम्न हूं, आप इतने उच्च मैं इतना निम्न, मेरा और आपका मिलन कैसे होगा। हरि में जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा हूं मैं आपका हूं। राख शरण गिरधारी प्यारो, मन भी तेरो तन भी तेरो, मैं चरणन को चेरो और मेरे चलन देख मत रूठियो। मेरे चलन को देख के आप रूठ मत जाना, मेरे हाव भाव मेरे व्यवहार को, मेरे जो जीवन की गति है जो आपसे विपरीत चल रही है, इसको देख करके आप रूठ मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका नाम ही हरि है। आप ही जो हैं अपने नाम रूप गुण लीलादिशु माम निष्ठाम गुरुम, आपकी और आपके वैष्णव जनों की कृपा से क्या हो सकता है, इस नाम में इस रूप में इस गुण में इस लीला में मेरी कुछ निष्ठा जो है उत्पन्न हो सकती है। तो पूतना लीला का यह बड़ा ही सुंदर और बड़े ही संक्षेप में प्रभु जी ने जो वर्णन किया, श्री भगवान असुरों को मारते ही क्यों है, भगवत लीला में असुरों का प्रादुर्भाव होता ही क्यों है, ये एक विचारणीय बात है। जो ही पूतना लीला समाप्त हुई उसी समय श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने त्रिणावत लीला के प्रथम श्लोक में बड़ी अभूतपूर्व बात कह दी। बोले हे गोविंद, नाना अवतार जो आपके हुए हैं वो सारे अवतारों की सारी लीलाएं जो है वो अत्यंत क्या है, अत्यंत विस्मयकारी है, अत्यंत आकर्षणीय है। लेकिन ये जो आपकी बाल्य लीला है ना, इसमें कुछ विशेषता है। इसमें कुछ विशेषता क्या है, जैसे अभी बता रहे थे कि अपनी दहलीज पार करने में भी जो उनको सामर्थ्य होता है, अपनी दहलीज जो है पार नहीं कर पाते श्री भगवान। वो गोविंद जो कि सत्य संकल्प है, संकल्प के माध्यम सब कुछ कर लेते हैं, अपने घर से बाहर निकलने में उनको विशेष जो है कष्ट होता है। और जब मैया क्या कर रही है, अब जन्म हो गया ना, अब जन्म के आते साथ ही असुरों का आना आरंभ हो गया। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो ठाकुर जी बड़े एडवेंचरस हैं, बोरिंग नहीं है। लोग समझते हैं भक्ति बड़ी बोरिंग लोगों की है, वो तो बूढ़े लोग हैं वो 50-60 के, चलो अब सुन लो कुछ। लेकिन अगर वास्तविक रूप में रसिक भक्तों के निकट जाएंगे तो जिस रस की वांछा हम कोटि जन्मों से कर रहे हैं, जिस टेस्ट की वांछा हम कोटि जन्मों से कर रहे हैं, उस रस का छींटा भी बीच में आ गया तो सब रस जितने भी रस हैं, षड रस हैं, षड व्यंजन हैं, सब के सब फीके हो जाएंगे। तो वहां मैया क्या कर रही है, जो ही जन्म हुआ है ना, मैया पुनः पुनः श्री ठाकुर जी के मुख को खोलती हैं। श्री कविकरण पूर्ण हमारे आचार्य वर्णन कर रहे हैं इस चीज का कि जन्म होते ही श्री ठाकुर के मुखारविंद को बार बार खोल करके देखती हैं। क्यों भाई? बोले दांत आए कि नहीं आए, दांत आए कि नहीं आए। माताओं का स्वभाव होता है वो देखती हैं बार बार, दांत आए कि नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। जब देखती नहीं मिला, जब देखती नहीं मिला। एक दिन मैया ने जूही श्री ठाकुर जी के मुखारविंद को जूही खोला, देखा एक श्वेत बिंदु, एक सफेद बिंदु उनके मुखारविंद के भीतर था। निर्णय कर लिया क्या कि लाला का दंत उदय हो गया है, लाला का पहला दांत आ गया है। तो ब्रज में तो क्या है,
हमारे श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा प्रत्येक वस्तु क्या है, उत्सव है। हर चीज वहां पर श्री गोविंद का चलन, उनका गमन, उनका हसन, उनका वदन सब क्या है, अत्यंत ही मधुर है। वो तो मधुराति मधुरतम है। तो मैया ने जू ही देखा, मैया ने कहा चलो उत्सव करो। ये निर्णय उसी समय ले लिया, निष्कर्ष ले लिया कि ठाकुर जी का क्या आ गया है, दांत उदय हो गया है। अब ठाकुर जी भी सोच रहे हैं भैया हम तो जानते हैं हमारा दांत उदय नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, इच्छा है उनकी। समस्त ब्रजवासी आए, अभी थोड़े दिन पहले गए थे, महाराज जी ने सुनाया होगा कि 84 गज के लहंगे पहन करके सब लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। थोड़े दिन पहले गए थे, फिर बुला लिया। अब सब फिर नाचते हुए गाते हुए जूही ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। मैया क्या है, अत्यंत व्यस्त है। मैया आलिंगन कर रही है, सबका स्वागत कर रही है। और इस बीच में क्या हुआ, सबने कहा अरे अरे यशोदा, जिस उत्सव के लिए, जिस विषय के लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया है, उस लाला के मुखारविंद का दर्शन तो हमने पहले कर लिया है, लेकिन दंतावली उदय हो गई, उस दंतावली का दर्शन भी हम करना चाहते हैं, वरना ऐसे कैसे मान ले कि दांत उदय हुआ कि नहीं हुआ। बोले ठीक है कर लो। मैया ने श्री ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के जू ही ब्रज की गोपियां उनके निकट आई। मैया ने जू ही मुख खोला, उस समय तक तो दंतावली थी, उस समय तक तो श्वेत बिंदु था, लेकिन ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, सारे के सारे ब्रज को पहले उत्सव में सम्मिलित कर लिया, सम्मिलित करने के पश्चात मुखारविंद खोला तो अभी तक भी दांत पर वो श्वेत बिंदु था, और जू ही मुख खोला, अपनी जिह्वा को घुमाया और उसको पी गए। बोले है, बोले ये दांत नहीं था, मेरे स्तन से निकला हुआ एक दुग्ध का कण था, ये झूठे ही जो है इसने हमें उत्सव करा लिया, ये झूठे ही हमने इस उत्सव करा लिया। ये हमारे आचार्यों ने इस प्रकार की विषय में बताया है कि अगर वास्तविक रूप में भक्तों में सुनेंगे तो कृष्ण कथा जीवंत हो जाएगी, कृष्ण कथा वास्तविक रूप में जीवंत हो जाएगी। और इसी कृष्ण कथा को जीवंत करने के लिए ही ये इस दशम स्कंद का जो है प्रादुर्भाव हुआ है। तृणावत आया, ये तृणावत कौन है, ये तृण रूपी आवरण आया है। लॉजिक, लोग कहते हैं मेरे को भगवान दिखाओ तो मान जाएंगे, पहले भगवान के विषय में दिखा दीजिए उसके बाद भगवान को मानेंगे। तो यह जो कंटक है भक्ति का एक बहुत बड़ा, यह भी एक तृण का रूप धारण करके जब ब्रज में प्रवेश किया है तो श्री ठाकुर जी के हृदय में बात आई कि भैया हमने ब्रज का भूमिगत दर्शन तो बहुत कर लिया, अब हम देखना चाहते हैं कि एरियल ऊपर से देखने में ब्रज कैसा लगता है। भूमि पे तो हमने बहुत बार देख लिया, जरा उड़ करके देखते हैं कि ऊपर ब्रज पे क्या है। तो उस समय ठाकुर जी के मन में विचार आया, हाँ भाई दूसरा असुर आए, जैसे लड़के सुबह सुबह उठ करके जिम जाते हैं, आजकल क्या करते हैं 6 बजे उठते हैं, जिम जाते हैं, शरीर बनाते हैं, उसके बाद काम पे जाते हैं, ऐसे ही श्री ठाकुर जी सुबह सुबह उठ करके 2-4 असुरों को मारेंगे, उसके बाद अपने काम पे जाएंगे। सुबह सुबह उठेंगे, 2-3 असुर मार देंगे, मारने के पश्चात काम करेंगे अपना। और यहाँ तो हमारे श्री गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी पाद ने कहा असुरों की अधिकता हो जाती अगर वर्णन करने जाते तो, वो तो असुरों को मारे जा रहे। तो उन्होंने कहा थोड़े से संक्षेप में थोड़े से 2-4 बता दिए, वरना ये श्रीमद् भागवतम का अंत ही नहीं हो पाता, क्योंकि रोज सुबह उठ करके रोज सुबह मामा जी कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजते थे, ठाकुर जी को रिसीव तो करना ही था। अभी मामा जी गिफ्ट भेजेंगे, ठाकुर जी को तो रिसीव तो करना ही पड़ेगा, मना थोड़ा करते हैं कि हम नहीं ले सकते हैं। जैसे भी असुर भेजे, जैसी भी वेशभूषा में भेजे, भाई स्वीकारेंगे तो सही। भाई जब परीक्षित जी कली को स्वीकार रहे हैं कि मैं नहीं भेज सकता आपको अपने राज्य से बाहर, तो श्री ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, मामा जी गिफ्ट आ रहे आने दीजिए। तो पहले पूतना को स्वीकार लिया, उसके बाद तृणावत आए, बोले देखो पूतना आई एक गड़बड़ हो गई, स्तन पान तो किया आलिंगन नहीं कर पाए, स्तन तो हमने पान कर लिया था लेकिन आलिंगन करने का अवसर नहीं दिया, ऊपर से दोषारोपण और लगा दिया हम पे कि हमने मार दिया। हमने कहा मारा, हम तो मुंच प्रतिभाषी, हम तो ये कहते छोड़ 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 छोड़, मैं तो नहीं कह रहा था, अब दूध पीते पीते वो स्वयं मर जाए मेरा क्या दोष, लोगों ने हमें वैसे ही कह दिया। और गोपांगनाओं ने कहा बिल्कुल सही बोला तुमको, तुमने बाल्यकाल से स्त्रियों का वध किया है, नेह किम वध शरद उदास ये साधु जात सह, कि क्या करते हो आप नेत्र से मारते हो। बोले मैंने कब नेत्र से मारा, बोले महाराज हमें अच्छी तरीके से याद है अर्जुन के रथ के आगे खड़े हो गए थे, बिल्कुल नेत्रों से देखा सबको मार दिया। अरे बोले हमने कुछ नहीं किया, लोग हम पे वैसे ही दोषारोपण करते रहते हैं, हम किसी की हत्या करने वाले, अरे हम अपने मैया का स्तनपान दुग्धपान ना मिले तो हमारे जीवन की गति नहीं है, आप हमें कह रहे कि हम हत्या करने वाले हैं, हम पे व्यर्थ के ही दोषारोपण लगते हैं। किसी ने कहा हमने वस्त्र चुरा लिए, तो हम जब वस्त्र चुराने के लिए गए तो हमने देखा वस्त्र पड़े हुए हैं किसी के, कोई चोर ना ले जाए, वस्त्र पड़े हैं किसी के कोई चोर ना ले जाए, तो हमने केवल वृक्ष पे टांग दिए, दुनिया ने कह दिया कि आप वस्त्र चोर हैं।
भाई भूल करके हम किसी गोपी के घर में प्रवेश कर गए ये सोच करके कि अपना घर है, तो उन्होंने कहा कि तुमने चोरी की है। तो व्यर्थ के दोषारोपण में ही हमारा सारा जीवन चला गया। इसलिए अच्छा है कि हम व्रत छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, और वहां पर भी व्यर्थ के दोषारोपण में छोड़ा नहीं, वहां पर भी समंतक मणि का लग गया, वहां गए तो वहां पर भी लग गया, और ठाकुर जी के ऊपर सारे दोष लगे जा रहे हैं। तो जो ही आया तृणव्रत मैया उस समय से ठाकुर जी को उठा रही चक्र, हमारे श्री आनंद वृंदावन चंपू ने बोला मैया एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण का विरह बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्षण मात्र के लिए भी नहीं। तो ऐसा कैसे हुआ कि मैया श्री ठाकुर जी को अपनी गोद में खिलाते खिलाते बाहर छोड़ गई उनको? नहीं, उनके मन में ये भाव आया कि मैं श्री ठाकुर जी को भीतर ही ले आई हूँ। तो जो ही तृणव्रत आया श्री ठाकुर जी को ले गया, और पहले तृणव्रत ने देखा चलो छोटा सा बालक है, इसका वध करने में समय लगेगा नहीं। अब ठाकुर जी ने आलिंगन आरंभ किया, बोले देखो अपने मुख का बल दिखाना था तो हमने पहले वाली को मार दिया, अब अपने हस्तकमल का बल दिखाना है तो आलिंगन तो करना पड़ेगा, पहले वाला जो आई थी उसको हम आलिंगन नहीं कर पाए, हम उसका स्वागत तो कर नहीं पाए, हम तो केवल स्तनपान कर रहे थे, हमारे मन में ये विचार था कि स्तनपान करने के पश्चात हम आलिंगन भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे, उससे पहले ही वो मर गई, तो इसीलिए आलिंगन का अवसर ना चूक जाए इसलिए पहले ही तुम्हें करते आलिंगन। जो ही आलिंगन किया भार बढ़ने लग गया, बोले भार बढ़ रहा है, बोले ये बालक तो बड़ा अद्भुत है। और चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं देखो अभी बताया ना प्रभु जी ने कंस के बाघ में मारा, ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, बोले तू इतनी बड़ी गिरेगी तो नुकसान किसका होगा, ब्रजवासियों का होगा, तो ब्रज में नहीं गिरना, जिसके घर से आई थी उसी के बागान में गिरना, नुकसान करना तो भागा करो, यहाँ का कर रही है तू। तो पहले ले गए बाहर सीधा, बोले बाउंड्री पर आ गए ब्रज की, बोले हाँ आ गए, तो बोले अब यहाँ नहीं गिरेगी वहां गिरेगी, बोले हाँ, तो बोले तू वहां गिर, नुकसान जिसके घर से आई थी उसका घर, हमारा नुकसान तो कहा करती है। तो जहां पर पूतना मारा उसी ही स्थान पर चक्र और वहां पर बोला कि तृणाव्रत को एक बारी भी नीचे नहीं लाए, क्यों? बोले हम भयभीत हो जाएंगे, बोले अगर हम तृणाव्रत को एक बारी पे मैं नीचे ले आया छोटा सा बालक कहीं मैं ना भयभीत हो जाऊं, इसलिए धीरे एक स्टेप दो तीन चार बिल्कुल भूमि पे आ गए, गिर गया। बोले कल को कोई ये दोष नहीं कर सकता था कि मैंने भार बढ़ा दिया तभी मर गया, मैं तो उसको आराम से नीचे लाया, लगता है इसकी तबीयत इत्यादि ठीक नहीं होगी तो वैसी मर गई। और चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि उसी स्थान पर मारा जिस स्थान पर पूतना मारी, उन्होंने शब्द यूज किया कि माने जो कुछ ऐसी टीमें होती हैं उनके कुछ फेवरेट ग्राउंड होते हैं कि वहां वो जीतती हैं, कुछ ऐसी क्रिकेट की टीमें हैं जो कि कुछ फेवरेट ग्राउंड होंगे वहां जीतेंगी। उसी प्रकार ने हमारे आचार्य ने कहा कि विजयी स्थान है, पहला विजय स्थान था पूतना मारा, बोले ओहो, बोले फिर वही मारूंगा जब पहले वाले को मारा था। तो दोनों को एक साथ सम्मिलित वहां पर करा दिया। तो कहने को तो श्रीमद् भागवतम क्या है, ये तो सदा सेव्य श्रीमद् भागवती वार्ता तस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत, ये तो अपने आप में क्या रस समूह है। और रसिक वैष्णवों के निकट बैठ करके और आदरणीय गुरुजनों के निकट बैठ करके हम जो श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन जो कर रहे हैं, अवश्य ही जो है ये एक विशेष प्रकार की क्रांति का उदय करेगा। और वो क्रांति क्या है, श्री भगवान के प्रति हमारी उन्मुखता की वृद्धि होगी। मैंने समय अत्यधिक ले लिया, महाराज जी का विशेष आज्ञा थी कुछ कहिए, और अगर मैं कुछ गलत कहा तो श्री महाराज जी यहाँ पर हैं, समस्त वैष्णव यहाँ पर हैं, तो मेरे दोषयुक्त वचनों को जो है वह शोधित करेंगे। और समस्त रूपानु गुरु वर्ग से यही प्रार्थना है कि वो वैष्णव जनों की सेवा में हमेशा आयुष्य वंशा कल प्रतर भैष्य कृपा सिंधु वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज श्री राधा रानी की जन्म उत्सव हम मनाएंगे। राधा रानी को बनाया कि नहीं, राधा रानी बने कि नहीं, बन गई, तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाओ राधा रानी फटाफट बना दो। राधा रानी ब्लसिमती राधा रानी की ब्लसि वृषभानुराज नंदिनी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हाँ देखो श्रीकांत मानी अस्त, देखो आज जो भागवत का जो सार है वो भगवान का नाम है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को वो प्रारंभ करते हैं वो भगवान का नाम को द्वारा ही उन्होंने प्रारंभ किया है, लेकिन भागवत का जो विश्राम देते हैं वो भगवान का नाम से। जब सुखदेव गोस्वामी पहला श्लोक उन्होंने उच्चारण किए
बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकूत भयम् योगिनाम नृपनिर्णित हरे नामानु कीर्तन। बोले भगवान का नाम कीर्तन से ही जीव को परम शांति परम आनंद मिलेगा। इसलिए सारे शास्त्रों का निचोड़ किया है, अगर सारे शास्त्र को मंथन करेंगे तो उसमें मक्खन क्या निकलेगा, बोले भगवान का नाम ही है। जब भागवत को विश्राम देते हैं वो भगवान का नाम को द्वारा ही विश्राम देते हैं। कहते नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि परम। बोले भगवान का नाम संकीर्तन के द्वारा ही सारे पाप हमारे नष्ट हो गए। इसलिए नाम को द्वारा ही परम शांति प्रभु का नाम से ही मिलेगा। इसलिए भागवत का सार भगवान का नाम। इसलिए भगवान का नाम को एक उदाहरण दिया, भगवान का नाम क्या है, बोले नाम चिंता मणि कृष्ण। कहते जो भगवान का नाम नहीं कहते ये चिंतामणि। आप लोगों ने चिंतामणि का नाम सुने हो, कौन कौन चिंतामणि का नाम सुने हो? चिंतामणि मतलब होता है आप जो चिंता करो वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जो मांगो भगवान का नाम से, जो मांगोगे ये नाम सारी इच्छा को पूरी कर देगी। हाँ ध्यान देकर सुनो, हमारे गुरु जी एक सुंदर उदाहरण देकर के समझाए भगवान का नाम क्या है। देखो रास्ता में हम चल रहे हैं, आपका हाथ में एक थाली है, ध्यान देकर सुनो, आपका हाथ में एक थाली, रास्ता में जा रहे हो, थाली खाली है, आपको 100-100 रुपया की गड्डी की गड्डी मिला जिसका कोई मालिक नहीं, रास्ता में पड़ा हुआ, बताओ अब क्या करोगे? अरे बोलो, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, उत्तर दो। आपका हाथ में एक थाली है खाली, 100-100 रुपया की गड्डी की गड्डी पड़ा जिसका कोई मालिक नहीं, क्या करोगे? खाली थाली है, बोलो जोर से, आप भरोगे? क्योंकि आप चोरी नहीं कर रहे, उसका कोई मालिक है नहीं। आपका थाली पूरा भर गया, लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, देखा 500-500 रुपया गड्डी के गड्डी पड़ा हुआ जिसका कोई मालिक नहीं, फिर क्या करोगे? और बोलो ठीक से बोलो। देखो इसमें एक बहुत अच्छी उदाहरण देकर समझा रहे हैं, आप क्या करोगे बोलो? ये माता जी बड़ा चतुर है, कहते पूरा 100 रुपया गड्डी गड्डी फेंक दोगे? हाँ, क्योंकि जब 500-500 रुपया गड्डी की गड्डी, फिर 100 रुपया की क्या जरूरत? लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, फिर देखा 2000-2000 रुपया गड्डी की गड्डी पड़ा हुआ, फिर क्या करोगे बोलो? क्या करोगे? फिर 500 रुपया को फिर निकालोगे, फेंकोगे, फिर उसमें 2000-2000 रुपया गड्डी की गड्डी उसमें भरोगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए, फिर आपको हीरे जवाहरात बिखरा हुआ मिला जिसका कोई मालिक नहीं, फिर क्या करोगे बोलो? बोलो जोर से, क्यों? जब हीरे जवाहरात पड़ा हुआ, पर 2000 रुपया गड्डी की क्या जरूरत है? थोड़ा सा अगर हीरा जवाहरात ले गया तो पूरा माला ही माल हो जाओगे। लेकिन जब हीरे जवाहरात भरते हुए जब और थोड़ी दूर गए ना, फिर आपको मिला पारस मणि। पारस मणि नाम सुने हो? स्पर्श मणि, जो लोहे को भी जो सोना बना देती है। आपको स्पर्श मणि मिला, फिर क्या करोगे? अरे बोलो, पर हीरे जवाहरात की क्या जरूरत है? हाँ लोहे लाओ, और लोहे कितना कीमत है, लोहे को टच कराओ सोना ही बनते जाएगा, ये पारस मणि है, हैं? लेकिन जब और थोड़ी दूर गए उससे भी कीमती चीज मिला जिसको कहते हैं स्यमंतक मणि। ये स्यमंतक मणि भागवत का 10वें स्कंध में इसकी कथा आएगी, स्यमंतक मणि कथा। कहते जो स्यमंतक मणि ये प्रत्यह अष्टभार सुवर्ण ये जन्म देता है, मतलब सोने की चट्टान अपनी आप निकलता है, अपनी आप उससे निकलता। कहते ये जो स्यमंतक मणि ये सूर्य देवता ने दिया था सत्राजित को, जिनका बेटी का नाम थी सत्यभामा, और ये मणि जहां गया पता नहीं कितना अनर्थ सृष्टि किया। क्यों? लोहे की चट्टान के चट्टान अपनी आप, सोने की चट्टान अपनी आप निकलता है जिससे, जिसका नाम कहते हैं स्यमंतक मणि। फिर क्या करोगे? पारस मणि को फेंकोगे। क्यों? लोहे लाओ टच कराओ फिर तो सोना बनेगा, और इससे तो अपनी आप सोना बनती है, अपनी आप सोना बनेगी। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, बोले उससे भी कीमती चीज मिला, जानते हो उससे भी कीमती चीज क्या है? उसका नाम कहते हैं चिंता मणि। चिंता मणि मतलब क्या?
जो चिंता करो आपको वही मिलेगा, चिंता करते ही आपका इच्छा पूरी हो जाएगा। लेकिन जो सेमंत का मणि, अगर आप बोलोगे बढ़िया हमें मकान चाहिए, वो नहीं देगा, वो सोना ही देगा। आज बढ़िया चाट मसाला खाना चाहते हैं, पिज्जा पास्ता, वो नहीं देगा, वो केवल सोना ही देगा। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना चाहते हो, वो नहीं देगा, केवल सोना ही देगा। लेकिन जो चिंतामणि है, आप जो चिंता करोगे ना वही मिलेगा। ये चिंतामणि से कहते, वो चिंतामणि क्या है? बोले भगवान का नाम। इसलिए भागवत में बताया, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। जो भगवान का नाम, जो चिंता करोगे भगवान का नाम आपकी सारे चिंताओं को पूरी कर देंगे। इसलिए इसका नाम कहते हैं चिंता मणि है। इसलिए जो भगवान का नाम, जैसे श्री हनुमान जी नाम सुने, हनुमान जी के हम जा करके उनके पास में रिद्धि सिद्धि वैभव बेटा बेटी दुनियादारी सब कुछ मानते हैं। क्या हनुमान का कोई फैक्ट्री लगा हुआ है जो हनुमान दे देते हैं? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुमरी पवन सुद पावन नामो आप न बस करे राख राम। हनुमान जी कहाँ से सब चीज पाते हैं? बोले सुमरी पवन सुत पावन नामो, कहते भगवान का पवित्र नाम को सुमिरन करते करते उन्होंने भगवान राम को वशीभूत कर दिया। उन्होंने जो कुछ देते हैं ठाकुर का नाम की प्रभा से देते हैं। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण, सब कुछ बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते केवल प्रभु का नाम की प्रभाव से, कहते श्री शंकर जी उनसे हम जो कुछ मांगते हैं शंकर भी सब इच्छा पूरी करते। वो कहाँ से लाते हैं? कहते महामंत्र जयी जपत महेशा। शंकर जी पंचमुह में हर समय भगवान के नाम जप करती है। माता देवी को हम जो कुछ प्रार्थना करते हैं देवी भी सब कुछ दे देती है। वो कहाँ से लाती है? इसलिए कहते भगवान की उनके धना 8 हाथों में एक माला है। हर समय माता पार्वती भगवान के नाम जप करती हैं। इसलिए श्री गणेश जी जो सिद्धिदाता उसको कहाँ से मिलता है? गोस्वामी जी कहते हैं, महिमा जा सुजान गण राओ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम की प्रभाव से ही इनकी पहला पूजा होती है। जो कुछ मिलता है ठाकुर की नाम की प्रभाव से ही है। इसलिए अगर हम भी प्रभु का नाम जप करेंगे ना, ठाकुर हमें सब कुछ दे देंगे। और भागवत का यही सार है। और अंतिम समय में देखना, जब शरीर छूटेगा, जब लोग ले जाएंगे हमको, यही भी बोलते बोलते ले जाएंगे, क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोल बेटा, जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, और जो कुछ किया तुमने झूठे में बिताया। इसलिए प्रभु का नाम ही हमारे साथ में जाएगा। इसलिए हम बैठ करके एक माला जप करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में राधा रानी जन्म लेगी, राधा रानी का जन्म उत्सव और आरती प्रसाद लेकर जाना। अब एक एक माला पकड़वा रहे हैं, बैठ करके 5 मिनट लगेगा एक माला जप करने के लिए। सबको एक माला दे दो। हाँ, आप लोग इधर देखो, मेरे तरफ में देखो, ये माला कैसे जप करोगे? जो हमारे भक्त लोग तो जानते हैं, देखो ये सुमेरु है। इस माला को जो ये अंगुल को उसको स्पर्श नहीं करना, ये गंदा अंगुल, हम कहते हैं ना सबसे तुमको हम देख लेंगे, ये सबसे पहले ये निकलता है। इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकाल कर रखते हैं, और ये जो बीच वाले अंगुल को ऊपर में ये माला रखते हैं, बीच वाला अंगुल को, और ये अंगुल को ऐसे बाहर निकाल कर रखते हैं। जैसे जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
बोल करके उसमें एक मोती सरकेगा, है एक मोती, फिर दो बाल बोल करके ये दो मोती सरकेगा, तीन बार तीन मोती सरकेगा। इसलिए अब लोग ये समझो, अभी हम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण में, ठाकुर का चरण में बैठे हैं, शरीर से तो यहीं पर रहो और मन मन को अब ले चलो श्री वृंदावन में ठाकुर जी की चरण में, ठीक है। और सबके सब मेरे साथ में एक साथ में जोर जोर करके बोला, मन मन में नहीं बोलना, हम जोर जोर कर बोलेंगे ना, जैसे एक माला करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितने भक्त बैठे हैं, करीब 50 भक्त अगर बैठे होंगे, जोर जोर से बोलेंगे तो सभी को कान में पड़ेगा, एक माला तो करेंगे लेकिन 50 माला करने का इसका फल मिलेगा। इसलिए सबके सब मेरे साथ में जोर जोर से बोलना, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मोती सरकेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। सब माला वापस दे दो। राधा रानी तैयारी हो गई? राधा रानी बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा देखो कल भागवत कथा में श्री अन्नकूट महोत्सव श्री गिरिराज की पूजा है। गिरिराज पूजा की बड़ा महत्व है। ये कृष्ण स्वयं बताए ये अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न की दाना केवल जो गिरिराज की सेवा में अर्पण करते हैं किसी जीवन में घर में अन्न और वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ती। उसको घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहती है। कृष्ण की परिक्रमा लगाते हैं लेकिन कृष्ण किसको परिक्रमा लगाए? श्री गिरिराज।
अभी तो अधिक महीना में आप कहीं कोई गए हो गिरिराज गोवर्धन? अधिक महीना में हजार हजार लोग, लाख लाख लोग रोज रोज गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, कोई दूध की धार की, कोई दंडवती परिक्रमा लगाते हैं, गिरिराज की बड़ी महिमा। इसलिए कल श्री अन्नकूट महोत्सव है, अगर आप लोग चाहते तो अपना घर से गिरिराज के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ बना करके लाना, पूड़ी हो, हलवा हो, आप लोग जो बढ़िया चीज बनाते हो बना करके लाना, गिरिराज की पूजा में लगेगा, फिर वो प्रसाद फिर आप लोगों को मिल जाएगा वो प्रसाद, ठीक है। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। जोर से बोलो, बोले श्रीमती राधा रानी की जय। आप उनको पिता बनेंगे ना, पगड़ी पगड़ी बांध लो, कुछ होगा जब कपड़ा तो बांध लो, जब कोई पगड़ी बांध लो तो जाओ। हरे कृष्णा, बोले श्री राधा रानी की जय। हाँ देखो राधा रानी कथा सुन लो, अभी श्रीमती राधा रानी आने वाले, इधर सुना सबके सब। देखो कुछ लोग कहते हैं जैसा आप वृंदावन में जाते हो, कौन कौन वृंदावन गए हाथ उठाओ, वृंदावन में सब किसके नाम लेते हैं? अरे जोर से बोला, आवाज नहीं निकल रही, और जोर से, वृंदावन में सबके सब श्री राधा जी का नाम लेते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं आप तो बड़े राधे 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 बोलते रहते हो, ये भागवत ग्रंथ तो ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, अरे ये भागवत में राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं, कुछ लोग प्रश्न करते हैं। लेकिन ये हमारे श्री गौड़ीय टीकाकार लोग कहते हैं भागवत में तो राधा रानी का सिवाय और किसका नाम है ही नहीं, अगर भागवत में हो तो केवल श्री राधा जी का नाम है। बोले श्रीमती राधा रानी की, कभी भागवत का नाम क्या है जो ग्रंथ हम सुन रहे हैं, इसका नाम क्या है? अरे बोलो, केवल भागवत नहीं है, इसका नाम श्रीमद् भागवत। श्रीमद् मतलब क्या? श्री मतलब होता है लक्ष्मी, और मूल लक्ष्मी कौन है? श्री राधा रानी। मद मतलब होता है प्रेम, कदी ये भागवत नहीं, कदी ये राधा रानी का ये प्रेम ही ये श्रीमद् भागवत है, जिसमें केवल राधा का प्रेम के बारे में बताई गई। कद भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी ये राधा रानी का नाम फिर क्यों नहीं बताए? कोई बात मत करो, ओ पीछे गोपियां बात मत करो। भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी ये राधा जी का नाम को क्यों स्पष्ट रूप में क्यों नहीं दिया? तब हमारे गोस्वामी लोगों ने इसका पीछे चार पांच कारण बताए, आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा, ठीक है, मैं देखूंगा कौन बोल पाते हैं। भागवत का जो सबसे पहला टीकाकार हुए श्रीधर स्वामी, बड़े विद्वान थे, वो कहते हैं बल राधा नाम उच्चारण मात्रेण षडमार्षिक मूर्छा भवेत। जब श्री सुखदेव गोस्वामी एक बार श्री राधा रानी का नाम लेते थे वो छः महीना तक तो बेहोश हो जाते थे। बोले क्यों? बोले कारण जो राधा रानी है ये प्रेम की रस स्वरूपिणी श्री राधा रानी, प्रेम स्वरूपिणी श्री राधा रानी। इसलिए कहते वैदग्ध सिंधु अनुरागिक सिंधु वात्सल्य सिंधु अतिसांद्र कृपायिक सिंधु श्री राधिके स्फुरत में हृदय केल सिंधु। राधा रानी केवल जैसे अंगूर है ना, अंगूर का दबाव तो कल रस ही रस निकलता है, भागवत का एक एक अक्षर केवल अंगूर फल है, जिसको दबाव ना केवल श्री राधा जी की नाम जिससे निकलती है। इसलिए उन्होंने देखा 6-7 दिन के अंदर में हमें भागवत कथा सुनाना, अगर एक बार राधा जी का नाम लेकर के 6 महीना बेहोश हो गया फिर तो 7 दिन में कथा कैसे सुनाऊंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, राधा जी का नाम उन्होंने ग्रहण नहीं किया। कदि ये पहला कारण है। दूसरा कारण बताया, जब वो राधा जी का नाम लेते थे सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि ये प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, ये राधा रानी की पालता सुख है। जब एक राधा जी का नाम लेता था राधा रानी क्या प्रेम स्वरूपिणी, विरह कृष्ण प्रेम की विरह स्वरूपिणी, इन्हीं गोपी राधा जी का नाम लेते ही इनका जो हृदय कृष्ण प्रेम में ऐसे तप जाती थी, ऐसे विरह में कातर हो जाते थे, इसलिए उन्होंने श्री राधा जी का नाम को ग्रहण नहीं किया। तीसरा कारण बताया, आप लोग हाथों में मेहंदी लगाते हो, आप लोगों ने मेहंदी पत्ते देखे हो, कौन कौन देखे मेहंदी पत्ते बताओ तो, मेहंदी पत्ते का रंग कैसे? हरा है, हरा है ना,
लेकिन वो क्या वास्तविक रूप में हरा है? नहीं, क्या है? लाल। लेकिन ऊपर से क्या दिखता है? हरा। अगर उसको पीसो तभी क्या दिखेगा? हरा हरा। लेकिन जब माताएं हाथों में मेहंदी लगा देते हैं फिर जब सूख जाती है क्या रंग हो जाता है? लाल। और इतना लाल बन जाता है महीना तक धोने पर भी हाथ से मेहंदी नहीं निकलती है। लेकिन ऊपर से क्या दिखता है? हरी हरी दिखती है लेकिन अंदर में लाल लाल। उसी तरह भागवत को ऊपर ऊपर से देखोगे तो वो कृष्ण 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 दिखेगा, लेकिन जब अंदर में झांक करके देखोगे ना, बोले आत्मा तो राधिका एव, कृष्ण का आत्मा कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। बोले इसको पीसो। बोले पीसना मतलब क्या? बोले जब हम साधन करेंगे फिर तो भागवत में केवल राधा राधा राधा, राधा का सिवाय दुनिया में कुछ आपको दिखेगी नहीं। उसका जो चौथा कारण पंचवा कारण बताए, कहते जो कृष्ण भक्ति जैसे एक बहता हुआ नदी, जैसे बहती हुई नदी का पानी सब पी सकते हैं, एक जानवर इंसान चिड़िया सब पी सकते हैं, लेकिन ये कुएं में पानी होना, ये कुएं का पानी सब नहीं पी सकते हैं। कौन पी सकता है? जिसको पास में रस्सी कोई पात्र होगा ना, वही कुएं का पानी वही पी सकता है। भले इसका तात्पर्य क्या है? भले जो कृष्ण भक्ति सब कर सकते हैं, ये बहता हुआ नदी, लेकिन जो बहता हुआ नदी में कोई स्नान कर रहे हैं, कोई कपड़ा धो रहे हैं, उसमें बैल भैंस सब स्नान कर रहे हैं, लेकिन कुएं का जो पानी है ना, ठंडा पानी, उसमें कोई मिलावट नहीं, हाँ ठंडा पानी, प्योर पानी। इसलिए कहते हैं कुएं का पानी किया बोले राधा रानी का भक्ति, कृष्ण भक्ति किया बहता हुआ नदी, मतलब कृष्ण भक्त सब कर सकते हैं लेकिन राधा जी का भक्ति सब नहीं कर सकते। राधा जी का भक्ति कुएं का पानी, कौन कुएं का पानी पी सकता है? जिसको पास में रस्सी कोई पात्र होना, वही व्यक्ति ही कुएं का पानी को पी सकता है। रस्सी पात्र मतलब क्या? बोले जब तक कोई रस्सी की परंपरा में नहीं आए तब तक ये राधा जी की भक्ति उसको नहीं मिल सकती है। इसलिए हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं बोले अनाराध्य राधा पदाम भोजरेणो अनाश्रित वृंदावनम तत अटबिम असंभाष्य तद भाव गंभीर चितान कुतः श्याम सिंदूरस श्याम गाव। इसका मतलब है ब्रज में कोई एक रसिक हुए, उन्होंने एक बड़े सुंदर पद लिखा था। वो पद था मैं तो श्याम रंग में रंगी, मतलब कृष्ण रंग में मैंने रंग गया। वो था सचमुच से बड़ा पद, बड़े बड़े संतों के पास में गया, लोग तो बड़े बाहवा दिए, बोले वाह बड़ा सुंदर। लेकिन ये हमारे श्री जीव गोस्वामी श्री महाप्रभु भक्तों के पास में जब आया, इन्होंने ये श्लोक को लिख करके भेज दिया। देखो इस श्लोक का मतलब क्या, बोले तुम कृष्ण रस में डूब गए। भैया कृष्ण रस में रंगना इतने आसानी नहीं, कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं, उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी खेरी है, बड़ी टेढ़ी खेरी कृष्ण भक्ति। अगर कोई कृष्ण भक्ति को पाना चाहते हैं पहले तीन चीज को अपना, फिर कृष्ण भक्ति मिलेगी। कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण बड़े टेढ़े आदमी है। बोले तीन चीज क्या है? बोले अनाराध्य राधा पदाम भोजरेणु, जब तक श्री राधा रानी की चरण को आश्रय कोई ग्रहण नहीं करे। दूसरे चीज राधा रानी की चरण को द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक कोई आश्रय ग्रहण नहीं करता। और सबसे बड़ी चीज है राधा जी की भक्ति में जो सराबर है संत, ऐसे संतों का चरण को जब तक कोई आश्रय नहीं ग्रहण करता भैया कृष्ण भक्ति रस उसको नहीं मिल सकती है। इसलिए वृंदावन जाओ तो किसके नाम सबके सब बोलते हैं? जोर से बोलो ना, और जोर से, हाँ। इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री किशोर जी की राधा रानी का नाम लेते, क्यों? राधा जी की कृपा से ही कृष्ण मिल सकते हैं। इसलिए भागवत में स्पष्ट रूप में राधा जी का नाम नहीं, लेकिन अगर देखोगे झांक करके ना, राधा जी का नाम के सिवाय और कुछ भागवत में है ही नहीं। वो केवल भागवत में राधा ही राधा, राधा ही राधा है। अभी राधा रानी की जन्म कथा सुन रहे हैं। बोले श्री वृषभानु महाराज घर में एक बेटा था जिसका नाम था श्रीधा, लेकिन घर में कोई बेटी नहीं थी। वृषभानु महाराज सोच रहे हैं घर में एक बेटी होनी चाहिए है, लेकिन अभी दुर्भाग्य की बात है अगर घर में बेटी आ जाए ना, नाना नानी की तो अवस्था खराब हो जाता है। कहते बेटी कैसे आ गई? नहीं,
घर में बेटा आए ना, बेटी आए, दुनिया क्या कहते हैं, घर में लक्ष्मी आई है। बेटा आए तो दुनिया कोई कहता है नारायण आया है, कोई कहता है नहीं। अगर बेटियां नहीं होगी जगत में, माँ नहीं होगी, दुनिया रहेगा? दुनिया अगर बेटा 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 हो जाए, दुनिया रह सकता है क्या? बोलो, नहीं रह सकता है। देखो, मैं सारा दुनिया जाता हूँ, सारा दुनिया घूमता हूँ, बहुत सारी जगह में देखता हूँ, जब बेटा का शादी हो जाता है ना, एक माँ ने 9 महीना तक गर्भ धारण करती है किसको, बेटे को, इतने कष्ट से लालन पालन करती है, कितने कष्ट से उसको लिखा पढ़ा सिखाती है। लेकिन शादी हो जाए ना, पत्नी एक रात में क्या मंत्र देती है, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब है। मैं अक्सर करके जगह में देखा, बेटा अनादर करता, लेकिन लास्ट में जा करके पिता माता बेटी को पास में सहारा लेता। मैं सारा दुनिया में देखता हूँ ये चीज, लास्ट में बेटी को पास में सहारा लेता है। बेटी कभी पिता माता को कभी अलग करता हुआ मैं कभी नहीं देखा, हर समय बेटियां ही सहारा लास्ट में देती है। मैंने बहुत जगह पर ये चीज को देखा। इसलिए घर में बेटी आए ना, दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई। और जब बेटी की शादी होती है, अब देखना मंत्र जो पढ़ते हैं वो लक्ष्मी रूपा मान करके उनको दान की जाती है। और कन्या दान को सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया, कन्याओं का को पखेल वाला हाथ तो ऊंचा रहता है और लेने वाला का हाथ, लड़कों का हाथ नीचा रहता है, इनका हाथ ऊंचा रहती है। इसलिए घर में, इसलिए वृषभानु महाराज सोच रहे हैं घर में एक बेटी होनी चाहिए, बेटी हो तो घर की लक्ष्मी। और जिसको घर में ज्यादा बेटी है ना, माँ लक्ष्मी की भी उसके घर में ज्यादा कृपा होती है। क्यों? जो स्त्री है लक्ष्मी स्वरूपिणी, ये बेटियां हैं, इसलिए इनकी मन में इच्छा घर में एक बेटी हमारी होनी चाहिए। लेकिन वृषभानु महाराज प्रत्यह ये जाते हैं यमुना में स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में। एक दिन जब स्नान करने के लिए गए, देखा एक सतदल कमल पुष्पों के ऊपर में बड़ी सुंदरी एक प्यारी है, एक कुमारी किलकारी मारते हुए और अपना अंगूठा को चूसती हुई, सारा शरीर से ज्योति निकल रहा है, ज्योति निकल रहा था। इतने में एक लड़की बहते 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 आ रही, और वो स्त्री वृषभानु महाराज का तरफ में आई। वृषभानु महाराज पानी में उतरे और उन्होंने वो कन्या को उन्होंने अपना गोद में ले लिया, बोले श्रीमती राधा रानी की। तो उन्होंने वो कन्या को उन्होंने अपना पत्नी कृतिका सुंदरी को दिया, बोले देखो ठाकुर ने हमें एक बेटी दी है, हैं? अभी बड़े लालन पालन कर रहे हैं बड़े प्रेम पूर्वक। नारद जी ने देखा कृष्ण गोकुल में जन्म हुए, लेकिन कृष्ण कभी अकेले नहीं आते, आते तो उनको शक्ति रूप में कृष्ण जरूर राधा रानी आती है। इसलिए बोले जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण एवस एक ज्योतिंग दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम। कहते जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा, केवल वो लीला करने के लिए केवल दो हुए राधा और कृष्ण रूप में आए। अभी नारद जी ब्रज की गली गलियों में ढूंढ रहे हैं श्री राधा रानी जहाँ पर जन्म हुई, घर घर में जा जा करके देखते हैं, कहीं ललिता कहीं विशाखा कहीं चंपकलता कहीं श्री दाम दाम, लेकिन राधा रानी कहीं नहीं। ऐसे भ्रमण करते करते जब उन्होंने श्री रावल में आए, वृषभानु महाराज को पूछे घर में कोई संतान हुआ कि नहीं, बोले हाँ, बोले दिखाओ। तब तो उन्होंने श्रीदाम भैया को दिखाए, बोले ये तो कृष्ण के प्यारे सखा हैं, बोले कोई बेटी हुई कि नहीं, वो चुप हो गए क्योंकि यमुना से उनको मिला है। बोले बताओ ना, बोले हाँ एक बेटी भी हुई, बोले ला करके दिखाओ। जब उन्हें ला करके दिखाए वो स्वयं श्री राधा रानी, उन्होंने तो राधा रानी को पहचान गए, बोले इन्हीं को ही तो मैं ढूंढ रहा था। लेकिन वृषभानु महाराज क्या सोच रहे हैं, ये मेरी लाडली लाली ये हैं, उनको पता नहीं यही रमेश्वरी क्षमेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी सबका ईश्वरी श्री राधा रानी, इनको पता नहीं। अभी श्री नारद जी इनको स्तुति स्तव करना चाहते हैं, लेकिन उनको सामने करे कैसे, ये तो सोच रहे हैं हमारी ये लाली। तब उन्होंने बहाना बनाए, अंदर से थोड़ी सी पुष्प दूब रोली थोड़ा ले आओ, तुम्हारी बच्ची को मैं आशीर्वाद दूंगा। जब वृषभानु महाराज अंदर में गए, इतने में राधा रानी किशोरी रूप में प्रकट हो गई, अष्ट सखियां प्रकट हो गई। ललिता कहती है नारद जी क्या देख रहे हो, राधा रानी को जल्दी जल्दी स्तुति करो, नहीं तो राधा रानी अंतर ध्यान हो जाएगी। फिर उन्होंने राधा रानी की स्तुति करती है। देखो जो स्तुति है इसका नाम है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। इसमें इतने शक्ति स्तोत्र में
अगर कोई राधा कुंड में खड़े होकर के 108 बार बोले ना, राधा रानी स्वयं प्रकट होकर के दर्शन देती है, इतने शक्ति ये स्तुति में है। इसलिए अभी इसको हम 2-4 श्लोक इसको पढ़ते हैं और राधा रानी को ले आ बोलो। बोले मुनिन्द्र बिंद बंदित त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भूमि नाशिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करी रसिहम कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी तान मंद पस्थिते प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणा कृपोमल बराबर पुरस्तरे प्रभुत सदा करी सशियम कृपा कटाक्ष भाजनम रंग मंगल प्रसंग भंगुरा ध्रुव सभी भ्रम सदा भ्रम निरंत बाण पात निरंतर प्रशीकृत प्रकृति नंद नंदने सदा करी सी रम कटाक्ष भाजन स्वेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी रमेश्वरी विभूत माननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रियाधिपे श्रीमती राधा रानी की प्रसिद्ध वृषभान राज नंदन की। तब नारद जी बड़े सुंदर स्तुति करने लगे। राधा रानी बोली देखो बाबा, फिर तुम्हें मैं गिरिराज तलेट में दर्शन दूंगा, वहीं पर दर्शन करना, अभी बात मत करो, अभी बधाई होगी बधाई में फुटाना, ठीक है अभी बधाई होगी, हाँ अब चुप चुप कर खड़े हो जाओ। बोले श्रीमती राधा रानी की जय जय श्री राधा। तुम लोग बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी उन्होंने स्तुति करते करते राधा रानी अंतर ध्यान हो गई। फिर वृषभानु महाराज पूरा ब्रज मंडल को नौता दिया, मेरे घर में लाली भाई है, सबके सब बधाई देने के लिए आओ। पूरा ब्रजवासी आए, लेकिन ब्रज में दो मित्र है, नंद और श्री वृषभानु महाराज। नंद बाबा को भी नौता दी। नंद बाबा अकेले नहीं, अपना लाला कान्हा को लेकर के आए। और राधा रानी जन्म से आंख बंद करके रखी। बोले सर्वप्रथम आंख खोलेंगी तो मेरे प्रियतम कृष्ण को देख करके फिर मैं दुनिया को देखूंगी, नहीं तो दुनिया को मैं देखूंगी नहीं। इसलिए जिस पलंग में श्री राधा रानी लेटी हुई थी, श्री मैया जसोदा ला करके कान्हा को पास में लेटा दी, और कान्हा ने इतने में अपना हाथ को राधा जी के ऊपर रख दिए। और राधा जी को हाथ रखते ही राधा रानी को पता चला कृष्ण पास में। फिर उन्हें जब आंख खुले, सामने श्री श्याम सुंदर को देखा। वृषभानु महाराज तो प्रसन्न थे, लेकिन ये लड़की जन्म से आंख बंद करके रखी, लग रहा था अंदर अंदर में कुछ सोच रही है। लेकिन जब पहला बार उसने आंख खोल दी, फिर तो वृषभानु महाराज इतने खुश हुए, आनंद की सीमा नहीं रही। फिर तो धूमधाम से उन्होंने राधा रानी की जन्म महोत्सव को उन्होंने धूमधाम से बनाए। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। वृषभानु महाराज की जय। कृतिका सुंदरी की जय। अभी हमारे ब्रजवासी प्रभु जी राधा रानी की एक बधाई सुंदर बधाई गाएगी। और देखो राधा रानी जन्म हुई ना, राधा रानी कौन है, लक्ष्मी है, मूल लक्ष्मी राधा रानी। जितने उमा रमा सत्या सची ये राधा रानी से ही प्रकट होते हैं, राधा रानी मूल लक्ष्मी। अगर राधा रानी के जन्म महोत्सव में जो नाचेगा ना, घर में लक्ष्मी की खूब वर्षा होगी, लक्ष्मी की खूब बौछार होगी, माँ लक्ष्मी खूब कृपा करेगी। अगर लक्ष्मी की कृपा चाहते हो खूब नाचना, ठीक है। हाँ बोलो। तो राधा रानी रावण में प्रकट हुई और बरसाने में कीरत मैया के वृषभानु महाराज के लाडली युगो जन्म हुए।
तो ये बधाई से पहले कवित्व है राधावल्लभी संप्रदाय से हिंदरवंश जी का है, बहुत ही भावपूर्ण रसिक भक्त लोग इसका आनंद ले सकते हैं। धन्य धन्य प्रतिभानु लाडली धन जननी जिन जाई परसानो तेरो यहाँ पे खेलन आई भोक्ति मुक्ति तेरे द्वार पे थारी आंगन करे सफाई पारदंती कृष्ण तिहारी राज में लोट लगाई धन्य हमारो भाग्य लाडली तो सो प्रीत लगाई श्री हरि वंश कृपावल हमने प्रभुवन की निधि पाई पाछे पाछे लाग्यो दोले प्यारो कुमर कन्हाई धन्य धन्य ब्रज भानु लाड़ी रसिकन तारन आई धन्य धन्य ब्रज भानु लाड़ी रसिकन तारन आई एक बार हम शुरू करेंगे राधा रानी जन्म महोत्सव की जय जय प्रसभान महाराज की जय तीरथ मैया की श्री राम भैया की जय गुरुदेव की लाडली की जय 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 श्री राम जननी कुमार किशोरी सखी Thank you.
Oh, man.
सामुके हुए सामुके हुए सामुके नारे हो I'm
Yeah.
Oh,
जय जय राधा कृष्ण जुगल Thank you.
प्रसाद रखा हुआ सबके सब प्रसाद लेकर के जाना। और देखो रूबी तुम्हारे जो परिवार के लोग ना बोले 5 मिनट बैठने के, अभी आप लोग घर को आपको घर वालों के साथ में 5 मिनट में बैठेंगे, ठीक है? हाँ, सबको बोल दो 5 मिनट आकर के बैठे, सब लोग चले जाने के बाद आप लोग बैठते हैं, सबको प्रसाद दे दो। सबको प्रसाद कहाँ है? प्रसाद दो प्रभु जी, प्रसाद दो सबको, प्रसाद दो, बांट रहे बांट रहे, देखो बांट रहे, पीछे पीछे प्रसाद है।